विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस भास्कर साहब का साफा पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर मंजीत सिंह साहब के स्वागत के लिए मैं निदेशक महोदय से पुनः निवेदन करूंगी कि डॉक्टर मंजीत सिंह साहब का भी स्वागत करें। धन्यवाद सर। स्वागत की इस कड़ी में अब मैं निवेदन करना चाहूंगा विभागाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर साहब से निदेशक डॉक्टर ओपी यादव साहब को उनके भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी, काजरी ने मरु प्रदेश के किसानों में खुशहाली लाने और प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग करने के क्षेत्र में अनुसंधान के माध्यम से एक लंबा सफर तय किया है और इस सफर में कई सफलताएं एवं उपलब्धियां मिली तो कई चुनौतियां की गत वर्षों की उपलब्धियों तथा चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने तथा स्वागती उद्बोधन के लिए मैं काजरी निदेशक डॉक्टर ओपी यादव साहब को माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज इस विशेष अवसर पर जब हमारा प्रिय संस्थान अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है, इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी विराजमान है मंच पर। आप भूतपूर्व सेक्रेटरी डेयर और डीजी आईसीआर रहे हैं और मैं पूरी संस्थान की तरफ से श्रीमान जी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच श्रीमान डॉक्टर सूर्य नारायण भास्कर साहब भी उपस्थित हैं। इन्होंने भी पिछले कई वर्षों में इस संस्थान का मार्गदर्शन दिया है और इस शुभ अवसर पर मैं संस्थान की तरफ से, संस्थान के सभी साथियों की तरफ से आपका श्रीमान जी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। डॉक्टर मंजीत सिंह साहब जो एक लंबे अरसे से इस संस्थान से जुड़े हुए थे, वैज्ञानिक के रूप में, विभाग अध्यक्ष के रूप में और यहां से एक संस्थान के निदेशक के रूप में पधारे थे, आज हमारे बीच फिर एक बार उपस्थित हुए हैं। तो डॉक्टर मंजीत सिंह साहब आपका भी संस्थान की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हमारे बीच बहुत से हमारे पुराने साथी, पुराने विभाग अध्यक्ष आज इस सभागार में मौजूद हैं और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच फॉर्मर नेटवर्क कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर टी के भाटी साहब, फॉर्मर हेड ऑफ द डिवीजन हेड ऑफ द आरआरएस बीकानेर डॉक्टर आर के बेनीवल साहब, भूतपूर्व विभाग अध्यक्ष और कुछ अंतराल के लिए संस्थान के निदेशक भी रहे डॉक्टर जेपी गुप्ता साहब,
और मेरे बहुत से भूतपूर्व साथी यहाँ पर मौजूद हैं। समय की बाध्यता को देखते हुए सभी का नाम लेने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सभी उन पुराने साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हम संस्थान का 64वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और इस अवसर पर मैं सभी भूतपूर्व और वर्तमान साथियों को इस संस्थान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, इस संस्थान ने 1952 में बहुत एक छोटे रूप में शुरुआत की थी, और इसके बीच इस संस्थान के कई प्रारूप बदले। जब शुरुआत हुई थी तो डेजर्ट एंड फॉरेस्ट एंड रिसर्च स्टेशन के नाम से 1952 में एक छोटा सा स्टेशन यहाँ पे बना था, और तारबंदी के नाम से पूरे शहर के लोग इस छोटी सी जगह को जानते थे। 1959 में इसका नाम बदलकर सीएस क्रिश्चन की रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया, और 1966 के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर इसका बेसिकली इंटीग्रेशन हुआ। इस तरह से पिछले 64 वर्षों के अंदर काजरी ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, उसके अंदर अगर हम देखें तो पिछले पुराने साथियों का, जिनके प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर टी के भाटी, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर जेपी गुप्ता और बहुत डॉक्टर बेनीवाल, ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हजारों की संख्या में हरेक स्टाफ ने अलग अलग अपने प्रयासों से इस संस्थान को इस स्तर पर ले आए कि आज काजरी का नाम पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। डॉक्टर जिंदल साहब को भी मैं देख पा रहा हूँ, ये पिछली रो में बैठे श्री भरत साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। एक ये परंपरा रही है कि जब निदेशक महोदय यहाँ पे प्रस्तुतिकरण देते हैं तो पूरे साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। आज हमारे लिए एक बहुत अलग तरह का अवसर है। अलग तरह का अवसर इसलिए है कि कोरोना के लगभग 2.5 साल के अंतराल के बाद हम फिजिकल माध्यम में एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर मिले हैं, और मिलने का जो स्थान है वो बिल्कुल अलग तरह का स्थान है। आज कुछ दिन पहले ही इस फैसिलिटी का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और महानिदेशक ICR सबके करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, और इस वजह से हम पहली बार संस्थान का स्थापना दिवस इस नए ऑडिटोरियम के अंदर मना रहे हैं। तो मैं फिर एक बार आपको सभी का अभिनंदन और बधाई प्रस्तुत करता हूं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जब हमारे बीच हमारे भूतपूर्व महानिदेशक महोदय मौजूद हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से एक नया इतिहास कायम किया, वो इतिहास कैसे कायम किया एक छोटी सी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो मैं पिछले 1 साल का लेखा जोखा ना करने की बजाय एक पिछले 6 साल का प्रस्तुतिकरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि किस तरह से इस संस्थान ने पिछले 6 वर्षों के अंदर हमारे भूतपूर्व महानिदेशक महोदय के संरक्षण में, उनके तत्वाधान में और इनके मार्गदर्शन में किस तरह से इस संस्थान ने उन्नति की है। लेकिन 3 चीजों का विशेष रूप से मैं पिछले जो 1 साल में कार्य हुआ था उसकी 3 चीजें विशेष रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला तो ये कि इस संस्थान जब 1952 में स्थापना हुई थी तब लगभग 52 फील्ड एरियाज हमारे पास थे। 52 फील्ड एरियाज में से 48 फील्ड एरिया वापस स्टेट गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिए गए थे। 4 एरिया हमारे पास बचे थे, परिभाषा के अनुसार वो फॉरेस्ट एरिया कहलाते थे, और फॉरेस्ट एरिया के अंदर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करना इलीगल की श्रेणी के अंदर आता था। माननीय महानिदेशक के आदेश के अनुसार ये ICR में फैसला हुआ कि जितनी भी ICR के पास फॉरेस्ट लैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को वापस ट्रांसफर कर दी जाए। इस कड़ी के अंदर हमने कायलाना, बेरीगंगा
और भोपालगढ़, तीन जो फॉरेस्ट एरिया थे जो पिछले 60 वर्षों से हमने पूरे डेवलप करके एक नया स्टेट गवर्नमेंट के सामने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। पूरा डेवलपमेंट करने के बाद वो पूरे एरिया हमने तीनों एरिया वापस स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए थे, ताकि जो सरकार के जो हमारी संस्थान के ऊपर जो बोझ उस वजह से बन पा रहा था उसको हमने पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार को समर्पित कर दिए थे। एक और जो बहुत गहन मुद्दा इस संस्थान के सामने आया था और जिसकी बेसिकली ऑडिट ने भी बहुत हमारी बेसिकली क्रिटिसाइज किया था कि 1952 में जो हमारी जमीन प्रस्तुत हुई थी और आज के जमीन में 16 एकड़ का डिफरेंस था। 16 एकड़ कहाँ गया किसी को नहीं पता चला। मुख्यमंत्री ऑफिस से बहुत प्रयास करने के बाद, जिसका सबसे बड़ा जो प्रस्तुतिकरण संस्थान की तरफ से दिया गया था वो डॉक्टर त्रिपाठी जी ने दिया था मुख्यमंत्री के सामने जाके, और उन्होंने ये दर्शाया कि जब 1952 में आपके पास जमीन जब आपने अलॉट की थी उस वक्त आप ये मेंशन करना भूल गए थे कि 600 एकड़ की बजाय हम आपको 16 एकड़ कम दे रहे हैं। आप सोच के देखिए 1952 का रिकॉर्ड को पुराने रिकॉर्ड से निकालना, जीबी के अंदर अप्रूव करवाना, और डॉक्टर त्रिपाठी ने जो बेसिकली बीड़ा उठाया था उसका जीबी के अंदर तीन बार वो प्रपोजल रिजेक्ट हुआ और चौथी बार महानिदेशक के निर्देश के अनुसार, डॉक्टर महापात्रा के निर्देश के अनुसार वो हमने कार्य पूरा किया। और आज शायद धर्मेंद्र यहाँ पे बैठे हैं, शायद आज पट्टा आना था सर, जो जेडीए ने नया पट्टा हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है और उसमें हमने साइन कर दिए हैं, तो जेडीए के चेयरमैन ने भी है जी 2 दिन में मिल जाएगा। तो सर वो प्रक्रिया भी पिछले वर्ष के अंदर पूरी हुई। मैं उसके लिए हमारे डॉक्टर त्रिपाठी साहब को और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, विशेष रूप से हमारे डीजी साहब का बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। तीसरी चीज मैं विशेष रूप से हमारे डीजी साहब के सामने प्रस्तुति करना चाहूंगा कि सर इस बार 45 टेक्नीशियंस का प्रमोशन इस संस्थान के हमारे साथियों का हुआ है, और वो 45 टेक्नीशियंस में से 20 टेक्नीशियन ऐसे थे जिनका 15 साल से प्रमोशन रुका हुआ था। आखिरी में 5 लोग रुके हुए थे और उनका कल ऑर्डर उनका भी आ गया है, तो अब इसके अंदर भी हम लगभग 100% सफलता हमने हासिल कर ली है। तो तीन चीजें जो मैं विशेष रूप से इस संस्थान में जो पिछले एक वर्ष के दौरान हासिल की हैं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ये छोटी सा प्रस्तुतिकरण जिसका टाइटल मैंने दिया है एक क्विक रिकैप। और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे वर्तमान मुख्य अतिथि की पहली विजिट काजरी में 2016 में हुई थी। श्रीमान जी, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जैसे आप पहली स्लाइड में देख पा रहे हैं कि पहली बार आपका आगमन रीजनल कमेटी में सितंबर 2016 में हुआ था, और मैं आपके सामने 2 बिंदु रखना चाहूंगा कि किस तरह से पिछले 6 वर्षों के दौरान संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है, और आपने जो इंस्टीट्यूट को सपोर्ट दिया इंस्टीट्यूट ने क्या रिस्पॉन्ड वापिस किया, और वो भी एक छोटी प्रस्तुतिकरण मैं आपके सामने हमारे सभी साथियों के सामने भी करना चाहूंगा। सर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो सबसे पहला बिंदु हमारे सामने निकल के आता है एग्रीवोल्टेक सिस्टम, द फर्स्ट एग्रीवोल्टेक सिस्टम इन द कंट्री एंड इन एशिया वाज बेसिकली सपोर्टेड एंड डेवलप्ड एंड इनॉग्रेटेड बाई डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, विच कैपिटलाइजेज ऑन द नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ द रीजन। इसके अंदर 3 बिंदु थे, एक जमीन के टुकड़े के ऊपर किस तरह से खेती की जाए, बिजली पैदा की जाए, और साथ साथ में वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाए। सर बहुत इकोनॉमिकल मॉडल है, 1 हेक्टेयर में 1 साल में 18 से 20 लाख रुपए किसान अपनी एनुअल इनकम कर सकता है। ये हमारा पहला बिंदु था जो आपके मार्गदर्शन में पूरा हुआ। सर अपने आप में ये एक अनूठा उदाहरण आपने पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया, जब कंट्री का पूरा जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है वहां पर एक रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई, काजरी का रीजनल रिसर्च स्टेशन लेह के अंदर स्थापित हुआ,
और ये पहला प्रयास था भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से, जब साइंस बेस्ड सॉल्यूशन, हम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्रो इकोलॉजी ऑफ द कंट्री, वहां जाकर हमने कार्य शुरू किया है। और सर आपके मार्गदर्शन में, आपके पूरी सपोर्ट से ह्यूमन रिसोर्स की जो डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी, डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है, उसका भी आपने अप्रूवल दिया, और जिसकी वजह से लोग लेह के अंदर बड़े खुश होके, बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाके काम कर पाने की स्थिति में आ गए हैं। और ये पिछले वर्ष माननीय कृषि मंत्री ने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया था, और उसके बाद माननीय कृषि राज्य मंत्री और डॉक्टर भास्कर साहब और मैं स्वयं भी वहां जाकर इस कार्य को देखा है, और बहुत अच्छा कार्य हम कर पाने की स्थिति में है आए हैं। सर आपके आशीर्वाद से जो सीड प्रोसेसिंग यूनिट, लाइफ स्टॉक रिसर्च कैपेसिटी का जो हमारा प्रयास था, वो काफी आगे बढ़ा है, क्योंकि आपने लाइफ स्टॉक एक्सपेरिमेंटल हाउस का उद्घाटन किया, सीड प्रोसेसिंग और स्टोरेज यूनिट की स्थापना की, और उसके बाद से सर हमने स्टेट गवर्नमेंट से सीड प्रोड्यूस करने का, सीड को मार्केट करने का, सीड को किसानों को देने का लाइसेंस भी लिया, और पूरी फैसिलिटीज को इस्तेमाल करने के लिए 4 ट्यूबवेल भी हमने संस्थान के यहाँ और अलग अलग RRS के ऊपर हमने स्थापित किए। सर आपके निर्देश के अनुसार पूरे संस्थान के अंदर जितनी भी बिल्डिंग है, इंक्लूडिंग RRS एट भुज, हमने 375 किलोवाट का ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पूरे हमारी जितनी भी बिल्डिंग है सोलर रूफ टॉप सोलर प्लेट्स लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से हर साल इसके साथ और प्लस एग्री वोल्टेक सिस्टम के साथ हर साल 30 लाख रुपए की बिजली हम पैदा कर रहे हैं, और 30 लाख रुपए के बिल की बचत हम कर पा रहे हैं, और वो 30 लाख रुपए जो हम RSEB को बिल के रूप में प्रस्तुत करते थे, आज वो 30 लाख रुपए मेरे वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के लिए उपलब्ध है, जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे हर एक वैज्ञानिक को मिला है। सर इंडोर स्पोर्ट्स हॉल काजरी के अंदर ICR के रीजनल स्पोर्ट्स और सेंट्रल स्पोर्ट्स होने की पुरानी परंपरा है, उसी परंपरा को हम कायम रखे हुए हैं, और इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का भी उद्घाटन पिछले लगभग 15 दिन पहले माननीय कृषि मंत्री और माननीय कृषि राज्य मंत्री के तत्वाधान के अंदर ये हमने प्रस्तुत किया था। सर नए इनिशिएटिव आपने पूरे देश के अंदर ABI स्थापना की थी, और विशेष रूप से आपने एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर काजरी को भी दिया था, जिसने इफेक्टिव रूप से काम करना शुरू कर दिया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 128 घर हमारे कॉलोनी में मौजूद है, रोजाना 1,15,000 लीटर वहां से वेस्ट वाटर निकलता था, और पिछले 60 वर्षों से वो वेस्ट वाटर वर्चुअली वेस्ट हो रहा था। आज के दिन सर वो 1,25,000 पानी रोजाना हम उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं, और ना केवल शुद्धिकरण कर रहे हैं बल्कि उसको हम फोडर प्रोडक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस पानी को शोध के ऊपर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम रिसर्च भी कर रहे हैं कि अगर इस पानी को लंबे टाइम के लिए यूज किया जाता है तो किस तरह से हमारे परिणाम आ सकते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और यूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर, नो वाटर इज द वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू से, एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई अवर STP एंड वी आर अर्निंग 5 lakhs ऑफ रुपीज फ्रॉम दिस सिंगल यूनिट। सर 2018-19 समथिंग फैंटास्टिक हैपेंड। सर एक साल के अंदर 12 यूटिलिटी व्हीकल्स, 7 ट्रैक्टर, 2 मोटरसाइकिल, 2 लेजर लेवलर्स, 3 पावर टीलर्स, 2 पिकअप, 1 मिनी बस, 1 ऑफिस कार और 1 हिना कटर। सर काजरी के इतिहास में एक साल में इतने नए व्हीकल्स और इतनी फैसिलिटी कभी भी नहीं आई। 2018-19 हमारे लिए स्वर्ण एक तरह से वो था, क्योंकि 2018-19 के अंदर हमने अपना गोल्डन ईयर ऑफ डायमंड प्लेटिनम जुबली ऑफ द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी मनाया था। तो दिस वॉज द फैंटेस्टिक टाइप ऑफ अचीवमेंट एंड थैंक्स फॉर यूर सपोर्ट। सर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस स्लाइड के ऊपर। सर 2016 में जब आप पहली बार आए थे, जब फार्म विजिट करने के बाद आपने मुझे कहा कि आप कुछ और भी दिखाना चाहते हो, मैंने कहा सर हम कुछ लेबोरेटरी हम आपको दिखाना चाहते हैं। सर लेबोरेटरीज ये 3 मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। ये लेबोरेटरीज अबंडेंट लेबोरेटरीज नहीं थी,
ये फंक्शनल लेबोरेटरीज थी जहां रिसर्च हो रही थी, ओपन डेंस थे एक्चुअल में 1952 मॉडल में हम काम कर रहे थे। और सर आपके सामने मैं आपकी ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जब आपने छत की तरफ देखा तो आपके फेस एक्सप्रेशंस में महसूस कर सकता हूं कि आपने कैसा महसूस किया होगा कि क्या ऐसी लेबोरेटरीज किसी आईसीआर के इतने बड़े संस्थान के अंदर हो सकती हैं। अगर हो रही हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। सर आपने दो शब्द कहे थे, मैंने कहा सर पैसे चाहिए, आपने कहा कि यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी बट यू शुड हैव द एबिलिटी टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। सर आपके दो सेंटेंस के अंदर मेरे पास 200 मैसेज थे और मुझे खुशी है। इस फोटो के बाद अगली फोटो पर नजर डालिए सर, 2018 में इस संस्था में आप वापिस आए थे और जो लेबोरेटरीज की स्थिति पिछली फोटो में दिखाई थी वो इस रूप में हमने आपके सामने प्रस्तुति कर दिया। सर ये इसलिए हो पाया, हम तैयार थे क्योंकि मैसेज आपने दे दिया था 2018 में। सर हमने 68 सिविल वर्क हेडक्वार्टर पे और रीजनल सबस्टेशन के ऊपर, 26 बिजली के कार्य और सर आपने 8,37,49,208 रुपए की किस्त एक मुश्त में इस संस्थान को आपने दी थी। आज मैं संस्थान के माध्यम से, हमारे हर स्थिति के हर साथी के माध्यम से आपका भरपूर आभार प्रकट करना चाहता हूं। सर ये हमारा बिल्डिंग का कॉरिडोर था और ये आप डायरेक्टर का प्रेजेंट ऑफिस कॉरिडोर है, आज हम वहीं से आए हैं, आपने भी अप्रिशिएट किया है। वी हैव ब्रॉट इट टू द लेवल ऑफ द कॉरपोरेट। आज कोई निदेशक के ऑफिस में आते हैं तो ऐसा लगता है किसी कॉरपोरेट सेक्टर के ऑफिस में हम आए हैं, तो वो हमने एक प्रस्तुतिकरण आपके सामने प्रस्तुत की है। सर सेंटर ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन कंप्लीटली नए फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन 2030 तक हमें अचीव करना है लैंड डेग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, और अगर LDN को हमें अचीव करना है तो एल्ड जोन के अंदर जो 32 मिलियन हेक्टेयर के अंदर है वहां LDN को अचीव करना है, और वहां स्टिक मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन डॉक्टर मोराना और उनकी पूरी टीम ये बहुत बेहतरीन कार्य कर पा रही है। सर प्रिसीजन ब्लॉक आप देख सकते हैं जो किसी समय में एग्रोनॉमी के खेत कहलाते थे, डॉक्टर आर के बेनीवाल हैं, डॉक्टर जेपी गुप्ता यहाँ पे हैं, डॉक्टर टी के भाटी साहब खुद एक माने हुए एग्रोनॉमिस्ट हैं। सर एग्रोनॉमी के खेत के रूप में उसकी पहचान होती थी और आज के अंदर देखिए वो तस्वीर बदल के आपके सामने हमने प्रस्तुतिकरण की है। प्रिसीजन ब्लॉक लो कॉस्ट पॉली हाउसेज सेंसर बेस्ड ऑटोमेटिकली फर्टिगेशन, और ये सर हमने DST से पैसा लिया और 1-2 लाख रुपए नहीं 800 लाख रुपए हम DST से लेके आए थे और उस पूरे से हमने इस एग्रोनॉमी फील्ड को अंदर कंप्लीटली प्रीसीजन ब्लॉक के अंदर उसका एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपके सामने किया। सर एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब सितंबर 2016 में आए फार्म की विजिट करने के बाद आपने कहा था कि मैं पूरे स्टाफ को एड्रेस करना चाहूंगा। सर संस्थान का फार्म बड़ा है, संस्थान का रिसर्च बहुत बड़ा था, जब स्टाफ को एड्रेस करने का समय आया तो अंधेरा हो चुका था। 8:30 बजे आपने स्टाफ को एड्रेस करना शुरू किया और आप इस फोटो में देख सकते हैं हमारे पुराने साथी भी कुछ मौजूद हैं, बैकग्राउंड के अंदर अंधेरे को आप महसूस कर सकते हैं। सर आपने वादा किया था कि अगली बार मैं आऊंगा और जब मैं संस्थान को एक साथ एड्रेस करूंगा तो मैं इस टेंट हाउस के अंदर संस्थान को एड्रेस नहीं करूंगा, मैं किसी नए ऑडिटोरियम के अंदर आपको एड्रेस करूंगा। सर ये नए ऑडिटोरियम आपके सामने है और प्रोमिसेस आर मेड टू कीप, आपने जो वादा किया था वो वादा आपने पूरा किया है और तहे दिल से मैं पूरे संस्थान की तरफ से सर इस खूबसूरत गिफ्ट के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं अभी अपने पूरे साथियों से गुजारिश करूंगा एक बार खड़े होकर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा के लिए तालियां बजाएं। सर आपकी एक्सपेक्टेशन भी होंगी निश्चित रूप से, क्योंकि ना केवल आप एक
महानिदेशक के रूप में लंबे वर्ष कार्य किया. यू आर वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट अवर सिस्टम हैज एवर प्रोड्यूस्ड. आप साइंस की बात करते हैं, साइंस ड्रिवन डिसीजन लेते हैं, तो इस अवसर पर आपके जो सपोर्ट आपने किया इस संस्थान को 6 साल के लिए, संस्थान ने क्या रिस्पॉन्ड किया आपके उस काल के लिए, अगले 10 मिनट में मैं आपके सामने प्रस्तुतिकरण करना चाहूंगा. सर, 8,37,49,208 रुपए आपने दिए, 6 घंटे का समय था, दिन था 31 मार्च 2017. सर, 4 घंटे में हमने पूरा पैसा खर्च करके 100% यूटिलाइजेशन आपको भिजवा दिया था, और ये इसलिए हो पाया, इट वॉज अ टीम एफर्ट. सर, जब आपने फार्म की विजिट की 2016 में, तो आपने कहा कि आपका 15% एरिया यूटिलाइजेशन है, 85% एरिया अनयूज्ड पड़ा है, इसका क्या करोगे. सर, बड़े बड़े लोग छोटे छोटे संदेशों के माध्यम से बहुत चीजें कह जाते हैं. सर, आपकी उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक नई शुरुआत की. आज के दिन मैं कह सकता हूं कि जो 15% जो यूटिलाइजेशन था, आज के दिन 165% यूटिलाइजेशन ऑफ द फार्म. और इसका ये नजारा है सर, आज अभी खुद आप देख के आए हैं किस तरह से सीड प्रोडक्शन का एरिया लेग्यूम्स के लिए हमने पूरे पूरे एरिया में प्रस्तुतिकरण दी है. ये दूसरा खेत है सर, और ऐसे ऐसे 6 खेत हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं. सर, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द फार्म एंड विद कंप्लीट मैकेनाइजेशन. आज का युग हाथ से काम करने का नहीं है, एफिशिएंसी बहुत कम है, पैसा बहुत खर्च होता है. इसलिए इस जब हमारे वर्तमान डीजी साहब यहाँ आए, डॉक्टर एस के चौधरी डीडी साहब के साथ, उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया कि रेन फेड कंडीशन के अंदर किस तरह से आपने पूरे फार्म का एक कोना भी हमने खाली नहीं छोड़ा इस साल के लिए. सर, आप ये देख लीजिए, कंप्लीट मैकेनाइजेशन, कोई भी काम मैनुअली नहीं होता है. वीडिंग से लेके सोइंग से लेके कोई भी काम आप देख लीजिए, थिनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है. उसका रिजल्ट ये निकला सर, ना केवल काजरी का ठीक इमेज हुआ, फार्मर्स को बीज मिल रहा है, एनवायरनमेंट बहुत ठीक चल रहा है, सॉयल हेल्थ हमारी अच्छी हुई, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी हमारी बढ़ी है, हमारे रिवेन्यू बढ़ा है, सीड प्रोडक्शन बढ़ा है, और सीड के माध्यम से किसानों तक हम पहुंच पाने में सफल रहे हैं. और इसका सर ये देखिए, जो आपने सीड हब संस्थान को दिया, सीड प्रोसेसिंग यूनिट दी, 4 ट्यूबवेल दिए, संस्कार का रिस्पॉन्स आया, उसका परिणाम ये है सर. एटी के अंदर जो हम सेल करते थे, ये देखिए सर, 2016 में हमारे पास 20 लाख का सेल था, और पिछले 6 साल में हमने 20 लाख को 6 गुना रूप में बढ़ा के, 6 साल में 6 गुना वृद्धि करके 1,16,00,000 तक ले आए हैं सर. इस साल हमारा टारगेट डॉक्टर राजोरा और डॉक्टर काकानी की टीम ने सर 2 करोड़ फिक्स किया है, तो आने वाले समय में इस 2 करोड़ को टारगेट को हम पूरा करेंगे. एक्सपेरिमेंटेशन क्वालिटी, सर ये डॉक्टर मंजीत सिंह का कभी सपना होता था, इस संस्थान में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, हम कर पा रहे थे लेकिन छोटे से हिस्से में. और डॉक्टर मंजीत सिंह अब यही कह सकते हैं कि जब ये काम एक छोटे से हिस्से में हो सकता है तो पूरी संस्थान में क्यों नहीं हो सकता. उस वक्त डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप नारायण थे, तो मैंने उनसे मजाक में कहा था कि सर कभी मौका मिला तो करके दिखाएंगे, और भगवान ने मौका मिला, भगवान ने मौका दिया, उसकी नतीजा ये निकला सर, जो एक्सपेरिमेंटल क्वालिटी हमारे संस्थान के एक छोटे से कोने में होती थी, वो एक्सपेरिमेंटल क्वालिटी अब पूरे 400 एकड़ में हम फॉलो कर पा रहे हैं. उसका एक उदाहरण सर ये देखिए, ये ना ही तो अमेरिका खेत है, ना ही ये ग्राउंड नट क्रॉप है सर, ये पूरे वर्ल्ड का मूंग बीन और मोठ बीन जर्मप्लाज्म है. और मूंग बीन और मोठ बीन का पूरा वर्ल्ड जर्मप्लाज्म जो NBPGR से आया था, Division 3 में डॉक्टर राजवंत का एक्सपेरिमेंट है, जिनका डिसिप्लिन एग्रो फॉरेस्ट्री है, लेकिन खेत के अंदर गुणवत्ता का देखिए सर, कोई आदमी महसूस नहीं कर सकता कि ये रेन फेड क्रॉप है. और ये जर्मप्लाज्म का जो प्रिसीजन एवेल्युएशन है, इसका सर दूसरा उदाहरण कहीं NBPGR आज तक इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया. ये क्वालिटी ऑफ जर्मप्लाज्म एवेल्युएशन एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हमारी संस्था ने करके दिखाया है. नई क्रॉप्स, चाहे वो फोडर बीट हो, चाहे वो कैमोमाइल टी हो, फॉरेस्ट्री के रूप में हम जाने जाते थे,
लेकिन अब हमारा आगे आने वाले फ्यूचरिस्टिक रिसर्च के अंदर हम मिलिया डुबिया और मेलिना आर्बोरिया पे काम कर पा रहे हैं। सर नए इंट्रोडक्शन आज आपने देखे हैं किस तरह से हमने फिग और ड्रैगन फ्रूट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं एंड वी हैव डाइवर्सिफाइड द फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम एंड द क्रॉप्स। सर रिसर्च ऑन द लो कॉस्ट डेट हाउसेज, आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन जो हमने जो उत्पादकता दिखाई है वो उत्पादकता इजराइल से भी 20% हायर है, इट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड। जो ये तीन जो स्ट्रक्चर है, कॉस्ट सिर्फ 1,28,000 है और 6 महीने के अंदर इसकी रिकवरी होती है। सर हम पोली हाउस हाई कॉस्ट पोली हाउसेज तो बहुत बने हैं लेकिन लो कॉस्ट पोली हाउसेज रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ सिर्फ 1,28,000, 128 किलोमीटर। सर स्टेट गवर्नमेंट ने इसका मॉडल हमने हमसे ले लिया है और वो किसानों के ऊपर इस मॉडल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अपस्केलिंग ऑफ बडिट खेजड़ी, खेजड़ी के ऊपर डॉक्टर के आर सोलंकी मुझे नहीं पता आज गेस्ट हाउस में तो थे, यहाँ पे आज आ पाए कि नहीं आ पाए, अच्छा होता अगर यहाँ पे मौजूद होते, लेकिन उनको अगर ये स्लाइड देखते तो सबसे ज्यादा खुशी होती क्योंकि बडेड खेजड़ी को हम अपस्केल कर रहे हैं फार्मर्स फील्ड पे। और सर इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है बडेड खेजड़ी का काम आगे बढ़ाने के लिए कोई और नहीं, स्वयं कृषि राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी साहब हैं, पूरे बाड़मेर के अंदर इस चीज को वो आगे बढ़वा रहे हैं। सर हम फॉरेस्ट्री मोड के अंदर से पूरी तरह से निकल आए हैं और फ्रॉम द फॉरेस्ट्री टू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हैज एन इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट्री के लिए आफरी बना है, वहां फॉरेस्ट्री के ऊपर काम होता है, हमारे यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर टॉप प्रायोरिटी है। और यू सी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सीजन डॉक्टर एस पी एस तावर का खेत है, ये वन ऑफ द बेस्ट फील्ड वी हैव एवर सीन इन द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। सर ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग नया हमारे सामने चुनौती है, नया प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है और उसमें कुछ बिंदु हैं उसके ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या क्या रिसर्च होनी चाहिए वो भी हमने आपके सामने प्रस्तुतिकरण दी है। पोस्ट हार्वेस्ट और फीड टेक्नोलॉजी यूनिट, जो अबंडेंट बिल्डिंग्स थी सर हमने नई नहीं बनाई है, उसी रिनोवेशन के माध्यम से जो अबंडेंट बिल्डिंग थी उन बिल्डिंग्स को हमने पोस्ट हार्वेस्ट लैब में कन्वर्ट किया, उसी अबंडेंट बिल्डिंग्स को हमने फीड टेक्नोलॉजी लैब के अंदर प्रस्तुतिकरण उसको कन्वर्ट किया और आज के अंदर ये गुणवत्ता भरा कार्य हम आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। सर ऑर्गेनो मिनरल फर्टिलाइजर्स नया इनिशिएटिव था और आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी और भी इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। रैपिड असेसमेंट ऑफ द सॉइल प्रॉपर्टीज, सर एनएएसएफ के अंदर ये प्रोजेक्ट आया है जिसके अंदर काजरी इज द लीड इंस्टीट्यूट और आईआईएसएस भोपाल, आईआरआई, एनबीएसएस और 2 यूनिवर्सिटी इसके अंदर मौजूद है और डॉक्टर सांतरा डिवीजन 1 के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को आईसीआर की तरफ से लीड कर रहे हैं। तो आने वाले समय में द सॉइल हेल्थ कार्ड का किस तरह से हम हाइपर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनवा सकें, ये काम भी हमने शुरू किया है। और सर इस प्रोजेक्ट को भी आपने ही एनएएसएफ के तहत अप्रूव किया था तो आपका फिर एक बार जोरदार धन्यवाद संस्थान की तरफ से। सर किसानों तक हम बहुत अच्छी गुणवत्ता भरे कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच पा रहे हैं। 150-200 किसान मेले के अंदर किसान आते थे और आज के दिन पिछली बार जब हमने 3 दिवसीय किसान मेला किया था तो डॉक्टर प्रतिभा तिवारी ने मुझे बताया है कि 8,000 से 9,000 किसान उस साल हमारे किसान मेले के अंदर हर साल आते हैं। सर एक दूसरा जो रिस्पांस आपकी सपोर्ट से काजरी को जो मिला, कोलैबोरेशन विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी, सर आज के दिन हमारे पास 22 ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन है, 34 प्रोजेक्ट हैं और लगभग 48 करोड़ रुपए की एक्सटर्नल फंडिंग इस संस्थान के आज के दिन हमारे साथ चल रही, तो ये एक संस्थान का रिस्पांस आपके सामने आया है। सर रिकॉग्निशन और अवार्ड्स, मैं आपके संज्ञान में मेरे साथियों को भी बताना चाहूँगा कि आईसीआर नेशनल अवार्ड हैं, आईसीआर के टीम अवार्ड्स हैं, आईसीआर के इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं और आईसीआर के इंस्टीट्यूट अवार्ड हैं। सर 2016 के बाद अगर हम देखें तो हर साल आईसीआर 15 नेशनल अवार्ड बेसिकली कॉल करता है और उस 15 में से 5 अवार्ड हम एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसमें कुछ AICRP अवार्ड्स हैं, कुछ किसानों के अवार्ड हैं,
तो हम उस 15 में से सिर्फ 10 अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने सर पिछले 6 सालों में वो हर बार एप्लीकेशन लगाई है और जो 10 अवार्ड जो जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, 10 में से सर 8 अवार्ड हमको मिल चुके हैं, जिसके अंदर बेस्ट इंस्टीट्यूट अवार्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट अवार्ड, जवाहरलाल नेहरू आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल थीसिस अवार्ड, हमारे साइंटिस्ट जो यहाँ पे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड फॉर ट्राइबल सिस्टम, स्वामी सहजानंद अवार्ड, वसंतराव नायक अवार्ड फॉर ड्रायलैंड फार्मिंग एंड आल्सो रफी अहमद किदवई फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंसेस। सर यही काफी नहीं था, दूसरे 4 अवार्ड भी ICAR देता है, 4 में से 4 अवार्ड पिछले 6 साल में हमने लिए हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजश्री टंडन, राजभाषा, और सर 2021 में आपके करकमरों द्वारा हमें बेस्ट एनुअल रिपोर्ट का अवार्ड भी मिला। इसके साथ साथ सर 6 और अवार्ड हमें मिले, नास फेलोशिप डॉक्टर पांडे को 2018 में मिला, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का अवार्ड भी हमें 2018 में मिला, नास फेलोशिप डॉक्टर दिलीप जैन को भी मिला, और टॉप 2% में डॉक्टर दिलीप जैन और डॉक्टर एस के सिंह भी यहाँ होने चाहिए, गेस्ट हाउस में देखे गए थे, तो 2 साइंटिस्ट हमारे 2% में आए, और सर एक हमें इंसा फेलोशिप भी मिला, और इस तरह से हमें 4 टीम एक्सीलेंस अवार्ड मिले, 4 इंस्टीट्यूट लेवल के अवार्ड मिले, और 10 एक्सीलेंस इंडिविजुअल अवार्ड मिले। इस तरह से पिछले 6 साल में हमें नेशनल लेवल के 18 अवार्ड मिले हैं, यानी कि 3 अवार्ड पर ईयर। सर आपने अपने समय के दौरान एक नया इनिशिएटिव लिया था, कृषि पोर्टल। कृषि पोर्टल के अंदर हर संस्थान को अपनी अपनी टेक्नोलॉजी पब्लिकेशन अपलोड करनी होती थी। सर जब ये ICAR ने डेटा रिलीज किया तो सर इसके अंदर भी काजरी का पूरे ICAR में क्रीड़ा के बाद दूसरा स्थान हासिल हुआ था, तो कृषि पोर्टल के अंदर भी हम पीछे नहीं हैं। सर वी हैव टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स टू हाईलाइट यूनिकनेस एंड इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट। हाउ वी हैव डन इट? सर शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है, सबसे पहले पूछता है कि आज के दिन मुझे कहाँ जाना चाहिए, ये कहा जाता है कि आप काजरी जाइए। जब सर 2 घंटे के नोटिस में हमें मैसेज मिला था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं, गवर्नर के साथ विजिट करवानी है, तो सर वो आए और आधे घंटे का समय उन्होंने दिया था, लेकिन 4 घंटे इस संस्थान के अंदर उन्होंने कार्य को देखा। सर हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आए, उन्होंने भी ऐसी दर्शाया कि मुझे भी थोड़ा एक इवनिंग फ्री टाइम है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आप काजरी जाइए, आपको पूरा एड जोन का क्या काम होना चाहिए और क्या काम हो रहा है आपको दिख जाएगा। सर प्रोफेसर रतनलाल वर्ल्ड फूड प्राइज विनर, वो संस्थान में आए, पूरा दिन हमारे साथ रहे और सॉयल साइंटिस्ट के साथ उन्होंने बहुत इनफॉर्मल डिस्कशन किया सर, और हमारे लिए बहुत नई जनरेशन के साइंटिस्ट के लिए जो यंग साइंटिस्ट हैं उनके लिए वास्तव में वो दिन एक विशेष दिन रहेगा पूरे करियर के लिए, जब डॉक्टर रतनलाल के साथ उनको बात करने का मौका मिला। इसके साथ साथ सर डॉक्टर कलोडिया DG उमी, डॉक्टर पंजाब सिंह, डॉक्टर सिक्का, डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर भास्कर इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये भी हमारे संस्थान में एक साथ आए थे। सर श्री राजेंद्र सिंह रमन मैग्सेसे अवार्डी और वाटरमैन ऑफ इंडिया, किसी और काम से आए थे, जब पता चला कि मुझे 2 घंटे का समय एक्स्ट्रा है तो इन्होंने कहा कि मुझे भी काजरी देखना है, तो काजरी इन्होंने भी सर समय निकाला। इसके साथ साथ वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। सर इंस्टीट्यूट की इमेज बढ़ाने के लिए यू हैव टू गेट कनेक्टेड विद द पब्लिक फिगर्स, द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। वी डोंट हेजिटेट टू कॉल देम इन द इंस्टीट्यूट, वी कॉल देम समटाइम्स फोर्सिबली आल्सो, दैट यू कम एंड सी व्हाट इनोवेशन दिस इंस्टीट्यूट इज डूइंग, एंड द पीपल हु आर क्रिटिकल ऑफ आवर वर्क टूडे दे आर द स्पोक्सपर्सन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज टेकन प्लेस। सर जी बी मेंबर चाहे पर्सनल विजिट से आते हैं, लेकिन हम उनको संस्थान में विजिट जरूर करवाते हैं, और इसका फर्क ये पड़ा है सर कि 13th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने जब की थी, CGR इंस्टीट्यूट के 4 DG और 3 फॉर्मर DG ऑफ ICAR और CGR
एक साथ ही संस्थान में आए थे और वो उस उसका उस मीटिंग को करवाने का पूरा श्रेय डॉक्टर आर एस त्रिपाठी को जाता है जो आज हमारे मध्य मौजूद है। सर डॉक्टर साउदर्न के बारे में डॉक्टर महापात्रा साहब आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम और आप जब स्टूडेंट थे तो डॉक्टर साउदर्न का काम पढ़ते थे कि किस तरह से उन्हें साउदर्न ब्लॉटिंग एक डीएनए को फ्रेगमेंटेशन करने की टेक्निक निकाली थी। सर वही प्रोफेसर साउदर्न का स्वागत आपने इस संस्थान के अंदर किया था 2018 में जब आप आए थे, तो ये भी हमारे काजरी इतिहास के अंदर जो एक फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी है और संस्थान में आए और पूरे दिन हमारी संस्थान के अंदर रहे और कार्य को देखा, ये भी अपने आप में एक बहुत हमारे लिए विशेष दिन रहा था। और सर चाहे कोई भी यहाँ पे संस्थान में शहर में आते हैं, हम अपनी संस्थान के अंदर उनको लेके आते हैं और चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो फार्मर्स हों। और एक और हमने कोशिश की है सर, एम्बियंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज तो लोगों के पास होते ही नहीं है, 12-15 ट्रैक्टर, 100 के करीब मैन पावर, और हमारे संस्थान के अंदर मतलब फॉरेस्ट का नजारा हो हरगिज नहीं। तो सर एम्बियंस ऑफ द कैंपस के ऊपर हमने बहुत ध्यान दिया है। ये देखिए ये कैक्टस कॉर्नर है, कैक्टस डॉक्टर जेपी सिंह ने दिए जो आपके बोटेनिकल गार्डन के अंदर समाहित रहते थे, किसी को पता नहीं था, वही कैक्टस आज हमारा कैक्टस कॉर्नर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सर इसका उद्घाटन स्वयं अपने हाथ से आपने किया था 2018 एक अक्टूबर को डायमंड जुबली पार्क, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर विच विल ऑलवेज इंडिकेट द कंट्रीब्यूशन द सपोर्ट दैट यू हैव प्रोवाइडेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर टू काजरी। दिस इज द एम्बियंस ऑफ द फार्म। डॉक्टर टी के भाटी शायद आप पहचान नहीं पाएंगे, ये वही फार्म है जो आप जूली फ्लोरा देखते थे, आज ये वही फार्म है जो आगे 20 साल में कृषि का क्या नजर रहा होगा एड जोन के अंदर, वो हमारा फार्म की नई प्रस्तुतिकरण आपके सामने है। दिस इज द ग्रास ब्लॉक कंप्लीटली रिजुनोवेटेड बाई डॉक्टर राजोरा। इमेज का फर्क ये पड़ा, ब्रांड ऑफ द इंस्टीट्यूट का फर्क ये पड़ा सर, शहर का एक रोड काजरी रोड के नाम से स्वयं कृषि राज्य मंत्री ने अपने हाथों द्वारा 2018 के अंदर इसका पूरा कार्य हुआ था, तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में पूरा एक अनूठा उदाहरण है। आवाज करें मुकेश। तौर पर जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक, एक मिनट रोको जरा, एक इसको रोके जरा मुकेश। सर अभी माननीय कृषि मंत्री जब यहाँ उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने यहाँ का कार्य देखा, पिछले 2-3 विजिट में भी वो देख चुके थे, तो उन्होंने जो संस्थान के बारे में जो फीडबैक हमें दिया, जो सुझाव दिए आपके सामने और हमारे सभी साथियों के सामने, एक बार उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहूँगा। डॉक्टर भास्कर हमें कहते थे कि आपको काजरी का इजरायलाइजेशन करना पड़ेगा, इजराइल में जो काम होता है उस तरह का काम करने की आवश्यकता है। और सर आवाज करिए मुकेश। बहुत सारे दूरस्थ इलाके, वो सामान्य तौर पर जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक सबको रेगिस्तानी मानते हैं, क्योंकि हर आदमी को हर जगह जाने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन अगर अवसर मिले और जब वो यहां की हरियाली को फसलों को देखे और उसमें काजरी के योगदान को देखे तो काजरी की प्रशंसा किए बिना वो नहीं रह सकते। इस संस्थान में बहुत ही मनोयोग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, क्षेत्र की सेवा की है, नए बीजों का आविष्कार किया है और अपने कृतित्व के परिणाम स्वरूप अनेक पुरस्कार अर्जित करने का भी गौरव काजरी को समय समय पर प्राप्त हुआ है। कई बार
हम सब लोग उस कहावत को चरितार्थ करते हैं, गांव में कहा जाता है कि अपने घर का जोगी जोगना और आम गांव का सिद्ध। तो मैं समझता हूं जब हिंदुस्तान के लोग इज़राइल जाते हैं तो इज़राइल की तकनीक, वहां की विद्वता, इन सब को देखते हैं तो वाह वाह करते हुए लौटते हैं। लेकिन मैं समझता हूं जो कुछ इज़राइल कर रहा है अपने कार्य और उद्देश्य में उससे कई गुना अधिक काजरी कर रहा है, इस बात पर भी हम सब लोगों को गौरव होना चाहिए। तो सर आपने मुझे समय दिया, अब मैं इस थैंक्स के साथ इस अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूं कि ये कल रात का दृश्य है। अगर आप रात को नहीं आ पाए हैं तो हम और डीजी साहब शाम को खाना खाने के बाद इस सामने जो कैक्टस कॉर्नर है इसको देखने के लिए आए थे, तो इन्होंने कहा कि आप इसकी अच्छी एक फोटोग्राफी करवा के और बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट बनाइए। सर उसके ऊपर भी हमने आपका आदेश और एकदम हमने उसकी भी पालना शुरू कर दी है, तो जल्दी ही हम एक नया डॉक्यूमेंट बना के भी क्या किस तरह से एक संस्थान कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हुआ है उसकी प्रस्तुतिकरण भी आपके सामने एक बुकलेट के रूप में जल्दी देंगे। आपने समय दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। निदेशक महोदय ने विस्तार से बताया कि काजरी ने ये 64 वर्ष का सफर किस तरीके से गुजारा है और क्या क्या हासिल किया है, बड़े विस्तार से आपने बताया। और काजरी को जो उपलब्धियां मिली है या जो काजरी का जो काम बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, इसमें माननीय आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, आपका बहुत सहयोग रहा, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। काजरी को गत वर्षों में जो उपलब्धियां मिली हैं उसमें डॉक्टर मंजीत सिंह साहब के योगदान को भूला नहीं जा सकता है। डॉक्टर मंजीत सिंह जी ने एक कृषि वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष के रूप में काजरी को जो सेवाएं दी हैं वे सेवाएं अविस्मरणीय है। डॉक्टर मंजीत सिंह जी द्वारा मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन में निदेशक के रूप में किया गया कार्य भी बहुत ही सराहनीय रहा। आज इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, फॉर्मर सेक्रेटरी डेयर एंड डायरेक्टर जनरल ICR, डॉक्टर एस भास्कर जी, ADG एग्रोनॉमी एग्रोफॉरेस्ट्री क्लाइमेट चेंज, मेरे साथी डॉक्टर OP यादव जी, डायरेक्टर ऑफ काजरी, जिसका आज हम 64वां फाउंडेशन डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, डॉक्टर JP सिंह जी, हेड विजन 1, मिस्टर शमित सुरेश कुमार जी। और मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि मेरा सारा समय इसी में निकल जाएगा, क्योंकि मैंने 21 साल इस संस्थान में बिताए हैं। और मेरे रिटायर्ड साथी डॉक्टर JP गुप्ता जी, डॉक्टर बेनीवाल, डॉक्टर भाटी, डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर जिंदल, मिस्टर भरत, मिस्टर डॉक्टर माथुर, आई थिंक मैं अगर बोलता जाऊंगा तो भाषण इसी में ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे सभी रिटायर्ड साथी और जो वैज्ञानिक नए यहां पर आए हैं और बाकी सब स्टाफ, आपका आज के इस 64वें फाउंडेशन डे के ऊपर मैं आप सबको बधाई देता हूं। क्योंकि जैसे डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले 2-3 साल हमारे लिए मुश्किल थे, क्योंकि कोरोना के कारण हम इस दिवस को वर्चुअल मोड में ही मनाते थे,
और आज के दिन मुझे लगता है कि आज से 7 दशक पहले 1952 में, जैसे डॉक्टर यादव ने बताया कि डॉक्टर लांबा, डॉक्टर आर बी दास और कई उनके साथी जब यहाँ आए थे तो यहाँ पे धोरे हुआ करते थे, जैसे वो लोग बताते थे, और उन्होंने किसी तरह से तार से इसकी फेंसिंग की। और जब मैं यहाँ पर 1988 में आया था तो लोग कादरी के नाम से कम जानते थे, इसको तारबंदी के नाम से ज़्यादा जानते थे, क्योंकि शायद डेजर्ट के अंदर यही कुछ इलाका था जिसकी तारबंदी की गई थी। और उस तारबंदी से कादरी को जिस रूप में आपने आज देखा, डॉक्टर यादव ने प्रस्तुति दी, ये बहुत ही सराहनीय है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं था, मैं और डॉक्टर यादव बैठ के बातें करते थे कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, और इन्होंने जितने हम सोचते थे, मैं कहूँगा कि उससे कई गुना अच्छा करके दिखाया है। और इसके लिए डॉक्टर यादव के साथ उनकी पूरी टीम, सभी हेड ऑफ डिवीजन, वैज्ञानिक, टेक्निकल स्टाफ, हमारे खेत के मजदूर, क्योंकि फार्म सेक्शन भी मैं ही देखता रहा था जब यहाँ पर था, उन सभी का एक योगदान है कि आज जब मैं कादरी में इनकी विजिट से पहले सुबह सुबह शहर पे निकला था तो देख के एक बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि हाँ, ये वो संस्थान है जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल दिए थे। और इस समय मुझे लगता है कि एक मौका होता है जिस समय हमारे जितने पुराने साथी, जिनमें से कुछ हमारे पास हैं कुछ नहीं हैं, क्योंकि कोई भी संस्थान एक दिन में नहीं बनता, जो उन सब का योगदान होता है, कैसे धोरों से लेके स्थिति पे लेके आए, आज हमें उनके योगदान की भी सराहना करनी चाहिए कि कैसे डॉक्टर लांबा, डॉक्टर बोमैया, डॉक्टर तनेजा, डॉक्टर रहेजा, डॉक्टर शंकर नारायण से आगे आते आते डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर जे पी सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, डॉक्टर एच पी सिंह, डॉक्टर विट्ठल, बहुत से हमारे साथी जिन्होंने इस संस्थान को लीडरशिप दी और इसको यहाँ तक लेके आए, आज हमें उनका भी आभार करना चाहिए। और कोरोना के समय हमारे कुछ साथी हमारे साथ नहीं रहे हैं, हम उनके योगदान की भी बहुत सराहना करना चाहेंगे इस समय के ऊपर। किसी समय पे हमारा जो फोकस रहता था, जब हमने शुरू किया था काम, तो यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती थी। मुझे याद है 1987 का जब ड्राउट पड़ा था तो मैं आया था यहाँ पर, फिर 2002 का अकाल हमने देखा, डॉक्टर भाटी जी से मैं कल बात कर रहा था उसी के बारे में, और कैसे शुरू शुरू में हमने सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन का काम किया, एफॉरेस्टेशन का काम किया, और उस काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम प्रसीजन फार्मिंग और वर्टिकल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और कैसे कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उपज और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम दे सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और डेजर्ट के अंदर ये काम बाकी जगह से और भी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ सही होती हैं, पानी उपलब्ध होता है, तो वहाँ शायद रिसर्च करनी बहुत आसान होती है। पर वो मरुस्थल के अंदर हमें याद है कि जब हम आए थे तो कहते थे कि आपको 5 साल तो डेजर्ट को समझने में लगेंगे, और जो सही बात है, और डॉक्टर यादव का यहाँ पर बहुत लंबा एक्सपीरियंस था और इन्होंने उसका पूरा उपयोग किया, और ये सारा काम जैसे उन्होंने खुद ही यहाँ पे कन्फेस किया कि टॉप लीडरशिप के बिना, डॉक्टर महापात्रा जी ने जो उनको सहयोग दिया, जो फाइनेंसेस दिए, पर मेरा ये मानना है कि डॉक्टर महापात्रा जी के लिए सारे संस्थान एक जैसे थे, जो सबको ही पैसा देने के लिए तैयार रहते थे, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तत्पर रहते हैं, और उसके लिए डॉक्टर यादव ने जो तत्परता दिखाई और जिस तेजी से उन सब कामों को किया और ग्रैब किया, ले मैं डॉक्टर यादव को भी इसके लिए बधाई देना चाहूँगा और आप सभी टीम को भी बधाई देना चाहूँगा। और हम देख रहे थे कि काफ़ी आपके कुछ फार्म नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसकी आजकल बात बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा नहीं कि ये कोई नई खेती हम कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा भी शायद नेचुरल फार्मिंग ही करते रहे थे।
परंतु नेचुरल फार्मिंग विदाउट प्रिसीजन फार्मिंग शायद उतनी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने नेचुरल फार्मिंग के अंदर भी प्रिसीजन लानी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि ये जो संगम है कि प्रिसीजन फार्मिंग के थ्रू क्या क्या पैरामीटर्स हमें चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली जनरेट हो रही है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, परंतु विज्ञान के अंदर भी, जो डॉक्टर यादव ने, जैसे आपने देखा होगा कि कितनी हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलेबोरेशन हुई हैं, कैसे 47-48 करोड़ रुपया आपके प्रोजेक्ट्स के पास है। मैन पावर ये कम होती रहेगी, इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है, परंतु जिस तरह से मैकेनाइजेशन करके इन्होंने उस मैन पावर की जो डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट किया है, ये सभी के लिए एक सबक है कि हमें कैसे मैन पावर कम होते हुए भी ज़्यादा काम करना है। और बहुत से नए साथी हैं, उनको शायद देख के ये लगता होगा कि ऐसा ही खेती होती है, और जो हमारे पुराने साथी हैं जैसे डॉक्टर गुप्ता जी बता रहे थे कि कैसे कैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उन्होंने तब्दीली पूरी देखी है। तो द ऑनर्स लाइज ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि कोई भी एक जनरेशन काम नहीं करती है, हर जनरेशन अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती है, और ये आने वाली जनरेशन का एक ओनस बन जाता है कि जो हमने काम किया है आप उसको संभालें, और जो हमने किया है आप उसे अच्छा करें और उसी सोच को रखें। और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम जो मैंने देखा था, डॉक्टर जिंदल मेरे पास बैठे हैं, मैं जब आया था मैंने इनसे एक ही प्रश्न पूछा था कि यहाँ कौन सा पेड़ अच्छा है, जिनने कहा था कि जो पेड़ यहाँ पे हो जाए। और दूसरी बात जो और भी महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि जब तक आप किसी संस्थान को ओन नहीं करते हो, अपना नहीं समझते हो, तो शायद आप उसके लिए उतनी आगे तरक्की नहीं करोगे। तो ये वो मेरे नए साथी आए हैं, उनको ये कहूँगा कि डेजर्ट की परिस्थितियाँ मुश्किल हैं, परंतु जितना काम करने का आनंद जहाँ पे आता है शायद दूसरी जगह पे नहीं आता, क्योंकि अगर चैलेंजेस स्ट्रांग होंगे तभी आपका काम अच्छा निकलेगा। तो आप इन चैलेंजेस को स्वीकार कीजिए, इस संस्थान को ओन कीजिए, और यहाँ पर डॉक्टर यादव लेके आए हैं, मैं चाहूँगा आप इनसे भी आगे लेके जाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ उन्होंने आप सभी को 64वें फाउंडेशन डे की बधाई। थैंक यू। मंजीत सिंह साहब हमारे साथ शेयर किए और साथ ही हमारा मार्गदर्शन किया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आदरणीय डॉक्टर एस भास्कर साहब, सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, हमारे और काजरी के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। आपके सहयोग और मार्गदर्शन से ही हम अपनी योजनाओं को साकार कर पाते हैं, और भविष्य में भी इसी तरह आपका सहयोग हमें मिलता रहे, इसी कामना के साथ मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर एस भास्कर साहब को कि वे माइक्रोफोन पर पधारें और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग। परमा आदरणीय महापात्रा जी, पूर्व निर्देशक एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मशरूम रिसर्च, मंजीत सिंह हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर है, मेरा मित्र एंड निदेशक काजरी का संस्थान का, डॉक्टर यादव, डॉक्टर जे पी सिंह हाय, मैडम सुनीता जी हाय, सारे वैज्ञानिकों कर्मचारियों, और मैं इतना हिंदी में बोलने का प्रयास करूँगा बट कुछ कुछ बीच में इंग्लिश में बोलने को अनुमति दे देंगे। मैं अभी तक आप दिखा हमारा यादव साहब ने बहुत प्रस्तुत विषय रखा है। आज 64th फाउंडेशन डे कर रहा है,
मेरा ख्याल से वो क्या हुआ 6 साल में हमारा महापात्र को गाइडेंस में वो वॉट एवर सपोर्ट ही हैज गिवन इट शुड बी रिमेम्बर्ड यस सपोर्टेड सो मच वॉट एवर हैज हैपेंड इन 6 years I think it has not happened in the last 50 years. That is my assessment. And I should give him a big claps to the Yadavji. He has implemented very effective. Because during these 6 years, I might have visited this institute for 6 times, maybe. In that 6 times, I think 1/3 of the times, I am visiting with the Mahapatraji. That is my, I am very, very happy to be associated with this function today. I think Paila Barbie, I think I participated in one of the foundation days, if I remember very nicely. Of course, whatever we have given, either through RSC meetings, even I have participated in IRC meetings, although I'm not supposed to participate, but Yadav has never left me. So you ought to at least join on the virtual meetings. Wherever possible, I used to give technical guidance to the many of the fields. Of course, most of them have been initiated, implemented. I am very, very happy to see today it has become industrialization of India. So maybe, 38 million hectares, whatever it is there in arid zone, I think I dream one day it should become Israel. Israel ka kya hai? I think not even, I think, maybe 1 million hectares, 2 million hectares. We are having 38 million hectares. And yahan pani ka problem hai, yahan soil ka itna bhi support nahi kar sakte. So I think as an agronomist, I consider this is very much suitable for adopting that kind of high-tech agriculture on one hand. And wherever you don't get the water, I think we should go for the agroforestry systems. Ye bhi dikhaya hai, ye samsthan mein dikhaya se, our agroforestry research institute hai Jhansi, where I am not able to find out such agroforestry system, it is here. So that is also another, I think, feather in the crown for this institute. And of course, we have to do capacity building, bringing capacity people here and do some kind of capacity building so that some agroforestry can also be initiated there. That is another thing. Of course, I am very, very happy to see this August auditorium. Of course, Hyderabad Sahib has told that it could, when he, Mahapatra, when he had some kind of open meeting in open air theater, I think Sara Machar Karanta is clear, he might have suggested to go for some beautiful auditorium. So that has come true, dream come true. So we should be very, very much grateful to the Mahapatraji. So that way, he has done so much to the arid zone. Of course, there was some pressure also. There were some VIP references also. I also attended. I think that member of parliament from Ladakh, Leh region. Yes, and we have given very much immediate action. Leliye waha, waha build, we have built so much there also. But unfortunately, some people should go from this institute. I say that our representation should be there because defense people are there through border road organization, all those things. So those things are there. When why they are there, it is very much protected also. And a lot of benefits also for you. You will get a lot of allowances there also, here also, HRA allowance and some HILA allowance and all those things. You should go. I expect at least some people should be ready to at least youngsters. We can push them. 2-3 scientists, and it is also our samsthan. Because when we say that arid zone, it is not only hot arid is important, cold arid zone is also important. So that is there. So another issue is, of course, I traveled with Yadav many times. I think I'm one trip, I think we have covered 900 kilometers by road. And another trip, I think Bhuj also, I think 300-400 kilometers by road. I have seen entire Rajasthan. And there is a lot of connection between Rajasthan and Karnataka also. I told yesterday, Mahapadraji, that many princes have married Karnataka kings and many of the Rajasthan kings married Karnataka princes. That kind of thing is also there. So
We have to be very, very much thankful to the Mahapatra ji. He has not only gifted all these things to Kajri, for entire ICR family he has gifted one thing, that we have to remember. Please give him a standing ovation. He has declared 5-day week. From today it is being implemented. Giving a big hand. Give a big hand. Because I also participated in many, many GB meetings. How much argument used to take place on these aspects. He has taken it for the benefit of welfare of the scientists and Tare workers. So we should be very much grateful to him. So I congratulate all those who are going to get awards here today on this occasion. In advance, I don't know who are going to get. So thank you very much, Yadav sir, for giving me an opportunity to say a few words, because I don't want to take much time. Mahapatraji can tell in a very in Hindi mein bol sakte ho, Hindi mein lamba bhi bol sakte. So we should all be waiting for his speech. Okay, that is how I hand my speech here. Thank you very much. धन्यवाद सर. आपने हमारे काजरी के लिए सर हमेशा समय निकाला है. इससे हमें प्रेरणा मिलती है और बेहतर करने के लिए नई ऊर्जा भी. आपने जहां एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम की सराहना की तो हमें कई सुझाव भी दिए हैं जिसका हम भविष्य में पूरा पूरा ध्यान रखेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. हमारे संस्थान को प्रत्येक किसान के रूप में आज इस समारोह में संस्थान के ऐसे ही उत्कृष्ट कर्मचारी, अधिकारी एवं वैज्ञानिकों को उनके सराहनीय कार्य के लिए मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा. मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सहायक कुशल कर्मचारी श्रेणी में श्री गंगाराम जी को. श्री गंगाराम जी, जिनका नाम बोला जाता है, कृपया गंगाराम जी तैयार रहेंगे. सभी वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं पर इनका सहयोग पूरी तरह से देते हैं सहायक कुशल कर्मचारी. मैं चाहूंगी कि आप जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें. श्री गंगाराम जी, अब मैं आमंत्रित करूंगी श्री जालाराम जी को. श्री जालाराम जी का तालियों से स्वागत कीजिए. प्रशासन के जो हमारे उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ अभी निवेदन करूंगा, हमारे संस्थान में कार्यरत है, इतना कार्य देख रहे हैं. श्रेणी में अगला नाम है तकनीकी विभाग से श्री कैलाश चंद्र जी, सीनियर टेक्नीशियन. श्री कैलाश चंद्र जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. इनका नाम फील्ड फार्म कैटेगरी में है. श्री कैलाश चंद्र जी,
अध्यक्ष की जो अभी तक जो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सराहनीय है, आप समय नहीं देखते बल्कि समय पर संस्थान को देखते हैं और बहुत ही कुशलता से ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसी श्रेणी में मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी वैज्ञानिक कैटेगरी में डॉक्टर एन के जाट साहब को, सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर एन के जाट। इनका डिसिप्लिन एग्रोनॉमी है और ये अभी नेचुरल फार्मिंग पे भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर एन के जाट, मैं चाहूंगी कि आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब नेक्स्ट अवार्ड जो होंगे वो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए होंगे और उसमें साहब जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, डॉक्टर लेना चाहूंगा। अगला नाम है श्री भवर राम गोदारा जी का, जो कि सीनियर टेक्नीशियन है और अभी एक ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। आप एक कुशल वाहन चालक भी हैं और अपने वाहन का बहुत ध्यान भी रखते हैं, उसे बहुत तरीके से रखते हैं और समय पे आप कहीं पे भी किसी भी समय आने के लिए आतुर रहते हैं। श्री भवर राम गोदारा जी, अगला नाम है श्री धर्मेंद्र बोरा, सीनियर क्लर्क जो एडीएम 5 में कार्यरत हैं। इन्होंने काजरी रोड के नामकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अभी भी ये काजरी लीज डीड पाने में अपने प्रयास दे रहे हैं। श्री धर्मेंद्र बोरा जी, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड के बाद में अब नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड, और ये बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड जाता है आरआरएफ बीकानेर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर विजय सिंह राठौर और इनके को ऑथर्स को। मैं डॉक्टर विजय सिंह राठौर साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और आपका बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों से स्वीकार करें। इनका टाइटल पेपर का है अल्टरनेटिव क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड ऑप्टिमाइज्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर सेविंग ग्राउंडनट ग्राउंड वाटर एंड एनहांसिंग इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सभी विजेताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वयं को गौरव महसूस कर रहे हैं।
कि काजरी के इस 64वें स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशोभित कर रहे हैं। आपने गत लगभग 6 वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के पद पर रहते हुए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में एक कुशल वैज्ञानिक, मार्गदर्शक एवं प्रशासक के रूप में जो कार्य किया है, उसकी बदौलत परिषद को एक नई गति एवं पहचान मिली है। हमें आपसे अपेक्षा है कि आप भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब हम काजरी निदेशक डॉक्टर सबसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए कृपया साथियों, जैसा आपने सुन लिया होगा कि साहब कह रहे हैं कि मुझे तो सब जानते हैं, मुझे कहाँ परिचय करवाने की आवश्यकता है। सर, आपके बारे में बताना अपने आप में गर्व का विषय है उस व्यक्ति के लिए जिसको बताने की जिम्मेदारी मिली है, और इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि औपचारिक रूप से आज के मुख्य अतिथि का परिचय करवाने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा का जन्म खारीबिल गांव में उड़ीसा में हुआ था और बहुत ही साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने वहीं से स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय से अपनी बीएससी की डिग्री हासिल की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट होने के नाते इनका एडमिशन एमएससी में दुनिया के और देश के बेहतरीन संस्थान जिसको हम पूसा आईआरआई कहते हैं, वहाँ इनका एडमिशन हुआ, जहाँ से इन्होंने एमएससी और पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद एआरएस में इनका सिलेक्शन हुआ और वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रधान वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो पूसा कैंपस में स्थित है वहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जो कोर एरिया है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रिसर्च के अंदर, जिसके लिए वैज्ञानिक अपने कार्य के लिए जाना जाता है, उनका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और जीनोमिक्स, ये ऐसे श्रेणी के वैज्ञानिक हैं जो अपने समय से कहीं आगे रहते हैं। और इस वजह से जब इस देश में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जीनोमिक्स की लगभग शुरुआत होने में सही ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई थी और लोग कहीं कहीं झिझक भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त ह्यूमन रिसोर्स उस तरह का हमारे पास उपलब्ध नहीं था, ना टीचर के रूप में ना स्टूडेंट के रूप में। तो उस वक्त इन्होंने अपना कार्य शुरू किया और वैज्ञानिक होने के नाते इन्होंने वो कार्य कर दिखाया। पूरी दुनिया में अगर मैं दो इनके सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआती काम के बताऊं कि पूरी दुनिया में जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक तरह से जन्म ले रही थी, तो सबसे पहले ये प्रयास किया गया कि चावल और टमाटर इन दोनों का जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। तो पूरी दुनिया में से गिने चुने वैज्ञानिकों का चुनाव किया गया ताकि कौन वैज्ञानिक इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा जिसमें सबसे पहले चावल था फिर टमाटर था। तो पूरी दुनिया में जिन वैज्ञानिकों का चुनाव हुआ उनमें एक नाम था डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी। इनके कार्य और योगदान को देखते हुए इनका फिर निदेशक के रूप में चुनाव हुआ, चयन हुआ सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के रूप में, और वहां भी इन्होंने बहुत ही जबरदस्त कार्य किया और जिनका नतीजा ये निकला कि इनका चुनाव हुआ जिसको हम पूसा संस्थान के नाम से जानते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, निदेशक के रूप में। वहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की और उसके कुछ समय बाद ही हम सब के सौभाग्य से और इनके योगदान से इनका चुनाव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन और DGICR के रूप में हुआ,
जो 2016 फरवरी का महीना था, उसके बाद से 6 वर्षों से भी अधिक इस पद को इन्होंने सुशोभित किया। और जैसा बताया गया कि इन्होंने जो योगदान दिया है, जो आईसीआर को नई दृष्टिकोण दिया है, जो आगे बढ़ने की जो एक लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग की है, वो अपने आप में आने वाले समय में हमारा दिशा निर्देश करती रहेगी, ये हम सबका मानना है। और शाम को हम कह रहे थे कि साहब आप 6.5 साल के करीब महानिदेशक के पद के रूप में रहे हैं, आने वाले समय में क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रह पाएगा? बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि 6.5 साल तक सेक्रेटरी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज द सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके योगदान को देखते हुए इनके नाम जो भी अवार्ड आप जितने सोच सकते हैं कृषि विज्ञान में और विज्ञान में, इन्होंने सभी हासिल किए। कुछ अवार्ड में आपके समक्ष उनका जिक्र करना चाहूंगा, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी के वैज्ञानिक हैं वो उससे प्रेरणा ले सकें। इन्होंने सबसे पहले इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का जो यंग साइंटिस्ट अवार्ड है, यंग एज में ही तो इनका जो पहला अवार्ड जो मिला था, वो जो हाईएस्ट जो मोस्ट रेपुटेड हमारी एकेडमी है उसका यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था, इंसा यंग साइंटिस्ट अवार्ड। उसके बाद प्रोफेसर LSS कुमार मेमोरियल अवार्ड, नास टाटा यंग साइंटिस्ट अवार्ड, वेरी प्रेस्टिजियस BP पाल मेमोरियल अवार्ड, DBT नेशनल बायोसाइंस अवार्ड, नासी रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लेटिनम जुबली अवार्ड, इंडियन साइंस कांग्रेस प्लेटिनम जुबली अवार्ड, इंडियन जेनेटिक्स कांग्रेस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स, श्री ओम प्रकाश बसीन अवार्ड, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड अवार्ड ऑफ दिस कंट्री। और इसके अलावा बहुत सारी बहुत लंबी लिस्ट है, लगभग जिस भी अवार्ड के बारे में आप सोच सकते हैं वो आप इनके नाम बेझिझक कर सकते हैं। इनकी पहचान ये मिली कि हमारे कंट्री में 3 अकेडमीज हैं जो मोस्ट रेपुटेड हैं, इंसा, नास और नासी। और आज के दिन ये लगभग हमारे देश में जो 20,000 वैज्ञानिक के करीब हैं, उन 20,000 वैज्ञानिकों में से जो फिलहाल कार्य कर रहे हैं, मुश्किल से 5 या 6 ही वैज्ञानिक हैं जिनको नास फेलोशिप, इंसा फेलोशिप और नासी फेलोशिप मिली है। तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मुझे इनका परिचय करवाने का आज मौका मिला। और सबसे अहम जो इनकी पहचान है, ही हैज बीन वेरी वेरी पॉपुलर टीचर। और एक अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा टीचर, और मैं इसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। IRI में जब ये फैकल्टी में समय मिलता था, फुल टाइम ड्यूटी टीचर थे, तो वहां जो साइंटिस्ट थे और जो हेड ऑफ डिविजन्स थे, वो चोरी छुपे आके इनकी क्लास में पीछे से बैठ जाते थे ये सीखने के लिए कि इनका पढ़ाने का तरीका क्या है। सर, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और आपने उस टीचिंग से अपने जैसे न जाने कितनी नई पीढ़ी के वैज्ञानिक तैयार कर दिए गए हैं। तो आपका योगदान महज महानिदेशक के रूप में नहीं, महज एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि उस रूप में भी है जब आपने अपने ही श्रेणी के नए वैज्ञानिक में पैदा कर दिए हैं जो आने वाले समय में पूरे देश की सेवा करेंगे। तो मैं इस मौके पर एक बार फिर डॉक्टर महापात्रा साहब का जोरदार स्वागत कीजिए और उनका वेलकम कीजिए कि आपको वो एड्रेस कर सकेंगे। ओवर टू डॉक्टर महापात्रा साहब। सर, ओवर टू यू। सबको नमस्कार। डॉक्टर मनजीत सिंह जी, डॉक्टर भास्कर जी, डॉक्टर OP यादव जी, बाकी सभागार में उपस्थित समस्त महानुभव, काजरी के समस्त वैज्ञानिक, समस्त कर्मचारी और मंचासीन
डॉक्टर जेपी सिंह, मिस्टर सुरेश कुमार, मिस सुनीता आर्या, आप सबको मेरे तरफ से ढेर सारा बधाई। आपके संस्थान के ये जन्मदिन उपलक्ष्य आज का ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आप लोगों के द्वारा, और जिसके लिए हमें यहाँ आने का मौका मिला है, उसके लिए ढेर सारा आभार। विशेष रूप में आपको डॉक्टर ओपी यादव जी, हमने आप यहाँ इनवाइट किया और ये कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया। और खाली उतना ही नहीं, आज सबके सामने आपने मेरा जो है ढेर सारा प्रशंसा, इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन किए हैं, तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि आपने खाली बुलाया नहीं और हमारा ढेर सारा प्रशंसा आपने किए हैं। हमने कोई भी चीज अपने कर्तव्य मान के करते हैं और ये कर्तव्य का एक हिस्सा था यहाँ आना, और संस्थान के जो स्थिति उस दौरान था, पुराने संस्थान होने के नाते इसको देखा और उसी हिसाब से हमने उसको सपोर्ट करने की कोशिश की। और आपने जो सारे बातें बताए हैं, शोध, प्रशासन, प्रसारण, इस सारे विषय पर जो भी बातें आप हमारे सामने रखे हैं, उसके लिए ये अत्यंत सराहनीय है और उसका श्रेय आपको ही जाता है, और उसके लिए लेट्स गिव योर डायरेक्टर ए बिग हैंड। और लीडरशिप मैटर्स, लीडर के बिना कुछ नहीं होता, बहुत सारे उदाहरण है। पैसा भारत सरकार के तरफ से आपको 8-10 करोड़, 15 करोड़ मिला, डीएसटी कुछ 8 करोड़, 8.5 करोड़ दिया, बाकी योजना के तहत आपने 40-50 करोड़ लिए, और 6-7 साल में एक कुल मिलाकर 60 करोड़ के आसपास होंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 60 करोड़ एक संस्थान को 6-7 साल में मिला, लेकिन आपके लीडरशिप के बदौलत, उसके कारण और अच्छे सोच के कारण आपने वो अर्थ का सुविनियोग किया और इसका सही इस्तेमाल करते हुए आपने कई ट्रांसफॉर्मेशनल कदम उठाए हैं, और जिसका विवरण आप सबके सामने रखे हैं, और इस संस्थान के जो भी आज यहाँ बैठे हैं यहाँ या अभी कार्यरत हैं और जो सेवानिवृत्त हो रखे हैं निकट अतीत में, आप सब लोग जानते हैं किस हिसाब से ये सारे पदक्षेप लिया गया है, सारे स्टेप्स लेते हुए आपने किस तरीके से संस्थान में परिवर्तन लाए हैं। परिवर्तन दिखाई देता है, कोई भी संस्थान में घुसेगा जरूर उसको देखने में मिलेगा कि किस तरीके से आपने ये सब लाए हैं, किए हैं। उसके लिए पहले तो एक सोच की आवश्यकता होती है, अगर सोच नहीं तो दिशा नहीं मिलता।
और अगर सोच नहीं, दिशा नहीं, तो पैसा खाली कुछ नहीं कर सकता। और आगे का जो भी आपको सफलता के रूप में आपके सामने है वो तो दूर की बात है। तो इसीलिए आप मुख्यतः उसके लिए दाई हैं, आपका जिम्मेदारी था और बढ़िया से आप निभाए हैं। और आपके साथ साथ आपके जितने सहकर्मी उसमें जुड़े थे, कुछ लोगों को आज प्रशंसा पत्र मिला है और कुछ लोग रिटायर भी कर गए हैं, जैसे त्रिपाठी साहब का नाम लिया जा रहा था और उनसे कई बार पहले से इंटरेक्शन भी हुआ है पहले विजिट में, और इसी तरह का कई लोग होंगे। मेरा नाम लेने से हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन होगा, और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर डायरेक्टर साहब का मदद किए हैं, संस्थान का मदद किए हैं और इसको अपना सोचते हुए। और आपके मंजीत सिंह साहब वही बात कर रहे थे, अगर बिलोंगिंगनेस नहीं होता है कोई संस्थान के प्रति, तो उस तरह का काम करने का जो जुनून होना चाहिए वो नहीं होता। तो संस्थान के प्रति हमारा अगर लगाव नहीं है, उसके लिए करना संभव नहीं होता। तो ये दर्शाता है कि आप सब लोग लगे हैं, संस्थान के प्रति आपका लगाव है, और आप लोगों ने पिछले 6-6.5 साल में कोविड के बावजूद जो सारे चीज कर पाए हैं ये अत्यंत सराहनीय है, और उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए आभार व्यक्त करता हूं क्यों, बड़े बड़े संस्थान हैं, उनको हम भी पैसा दिए हैं, IRI जैसे संस्थान, उसमें 100 करोड़ से ज्यादा रुपया हम दिए, बहुत बड़े बड़े संस्थान। और मैं बताया गया, मैं उसका निदेशक था, मैं जब निदेशक के रूप में ज्वाइन किया खूब कम समय रहा, 6 महीने के आसपास, और उस संस्थान का मास्टर प्लान ही अप्रूव नहीं था। कितने बड़े बड़े दिग्गज आए चले गए, उसका मास्टर प्लान ही नहीं बना ना अप्रूव हुआ। तो हमने कोशिश किए बड़े सिस्टमैटिक तरीके से और मास्टर प्लान बना, कई मीटिंग्स किए, लगातार फॉलोअप किए, तो मास्टर प्लान पहले अप्रूव हुआ। पहले कुछ बिल्डिंग बने थे इलीगल थे, और उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता था कमर्शियल रेट आता था, यदि हम थे कैंपस में हम जानते थे क्या दुर्दशा थी कैंपस की। उसके बाद ये जो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ, और उसके बाद हमने जो पैसा दिए बाद में डीजी बनने के बाद, अभी बहुत सारे आप देखिएगा कभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब बन रहे हैं, इंक्लूडिंग गेस्ट हाउस, स्टूडेंट हॉस्टल्स एंड बहुत सारी बातें, इनोवेशन सेंटर, और एक हाट बना है किसानों के लिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है अभी संभव हुआ उसके लिए। खाली पैसा देने से होता नहीं है, मेरा बोलने का ये था कि लीडरशिप मैटर्स, अगर लीडरशिप उसके बारे में सोचेगा नहीं, कदम नहीं उठाएगा, कुछ नहीं होता है। और पैसा वापस भी आता है, बड़े बड़े संस्थान IVRI जैसे, नाम लेना नहीं चाहिए, ले रहा हूं, और मैं जितना मॉनिटरिंग करता था, OP यादव साहब जानते हैं, हड़काओ धड़काओ, और सुनीता भी जानते हैं कि भाई किस तरीके से मार्च महीने में ऑलमोस्ट धक्का मारने लायक होता है और पैसा खर्च करने के लिए। और 6-6.5 साल में हम जो रहे, अब 98-99% एक्सपेंडिचर ICR का, और फिर भी उसमें संस्थान थे जो 8-10 करोड़ वापस करते थे लास्ट मोमेंट में, और काजरिया के संस्थान से जो लास्ट मोमेंट में 30 तारीख को भी पैसा लेने के लिए तैयार रहता था। तो ये डिफरेंस है लीडरशिप का। और वो जो 8 करोड़ वापस करते थे, कितना उनको हमने बोलते थे जो भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वहां भी इसी तरह के फाइनेंस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, डायरेक्टर है, सब है, लेकिन नहीं हो पाता था। और कई इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्पाइट कि हमारे बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, हमारे बाकी सैलरी पेंशन छोड़ के ICR को 2600-700 करोड़ मिला, उससे ज्यादा नहीं मिला, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हमने बढ़ा दिया, और इतना बढ़िया यूटिलाइजेशन हुआ
और उसके चलते कई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन गए। नए ऑडिटोरियम आप देखिएगा आईसीआर में जो बना है 165 करोड़ में बना, जो 10-12 साल से बंद पड़ा था और पिलर 2-4 उठे थे और बंद ऐसे ही पड़ा था, और उसमें करने में हमने कितना मेहनत की। तो इस तरह के कई जगह हम लोगों ने इसको पुश किया, सपोर्ट किया, एनकरेज किया, लोगों के साथ मिलकर काम किया। कितने प्लान डिस्कस किए उसका कोई हिसाब नहीं है। आईआरआई आसाम, आईआरआई झारखंड, कल मैं बता रहा था शाम को, और रायपुर में एक नया इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस इंस्टीट्यूट, रांची में एक नया इंस्टीट्यूट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, कितने हर एक संस्थान की चीजें, उसके मास्टर प्लान क्या होगा, उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा और कहाँ क्या रहेगा, डिटेल प्लानिंग। कितने समय लगाते थे, 12 घंटा कम पड़ता था हर एक दिन। तो ये जो बता रहे थे ओपी यादव साहब कि इसके लिए किया, खाली ये संस्थान नहीं है, हर एक संस्थान को इस तरह के सपोर्ट किया गया है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है। जितना कमिटमेंट ईएफसी में था पूरा किया जाता था, ये नहीं कि किया प्रोजेक्शन 10 करोड़ दिया 2 करोड़, ऐसे नहीं हुआ। हमने पूरा कोशिश किए हैं कि उसको पूरा पैसा दिया जाए। और बात यह है कि ये अपने बहुत सारे तीर मारा, इसको प्रशंसा लेने के लिए यहां नहीं बात कर रहा था मैं, ये बात कर रहा था कि आपके यहाँ का जो आप लोगों ने कर दिखाए हैं और ये बहुत अच्छा काम है। और ऑडिटोरियम बन गया, इस तरह का कई ऑडिटोरियम बने हैं, और हैदराबाद में एक मांस के ऊपर एक संस्थान है एनआरसी मीट, और उसमें भी इसी तरह का एक ऑडिटोरियम बना है, और इसे कल भी करीब करीब इसे डिजाइन होगा और बहुत अच्छा दिखता है और उसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। आपके जैसे यहाँ खुला खुला है, वो भी थोड़ा खुला कर रखने की कोशिश किए, कम कम जगह है फिर भी कर रखे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट कर पाए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, और खुशी मिलती है उसको देखते हुए और संतुष्टि मिलती है कि लोगों ने पैसा खर्च किया। और विशेष रूप में यहाँ जो आपके निदेशक महोदय आपके सामने बहुत सारे बातें रखे हैं कि अचीवमेंट का, कि स्टार्टिंग फ्रॉम कि भाई आपके 16 हेक्टर जमीन या एकड़ जमीन जो कम था वो रिकॉर्ड को ठीक करने से शुरू करके, आपके जमीन वापस करना, फॉरेस्ट लैंड को वापस करने से शुरू करके, आपके एंड तक वाइस प्रेसिडेंट साहब का विजिट तक, और उससे जो भी अप्रिसिएशन मिला वहां तक, आपने बहुत सारे बातें आपके सामने रखे हैं और इसको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 6.5 साल में यही सबको बताता रहा सारे इंस्टीट्यूट जाके कि हम अगर खुद बोलेंगे कि आईसीआर में कुछ नहीं होता, काजरी में कुछ नहीं होता, तो दूसरा आदमी क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, हमारा प्रशंसा करेगा, क्यों करेगा? हम खुद ही बोल रहे हैं कि भाई हमारे काजरी में कुछ नहीं होता या आईसीआर में कुछ नहीं होता, दूसरे आदमी को क्या लगाएगी भाई, क्यों क्यों बोलेगा कि आपके आईसीआर में अच्छा काम हो रहा है? 100% कोई चीज होता नहीं, कहीं नहीं हो पाता। आप जो चाहते हो नहीं होता, हो भी नहीं पाता है। लेकिन आपको देखना होगा कि कहां हम थे और हम कहां पहुंचे, वो तुलनात्मक एक विश्लेषण करके आपको खुद को देखना है कि भाई हम क्या कर पाए हैं सारे लिमिटेशंस के बावजूद, अच्छा काम हुआ है। और वही प्रोजेक्शन हमें करना होता है और वो प्रोजेक्शन हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रोजेक्ट करना है। अगर वो पता नहीं होता तो फिर आप जो है कितना भी काम कर लो, फिर जहां होंगे वही होंगे। मैं जब ज्वाइन किया आईसीआर के इतने नेगेटिव फीलिंग थे लोगों के बीच में कि भाई आईसीआर में कुछ नहीं होता, झगड़ा होता है, वो होता है, ये होता है, यही चलता था। ये नहीं कि काम नहीं होता था, बट इंप्रेशन ऐसे ही चलता था। हर एक इंस्टीट्यूट में हम जाके यही बोले कि भाई ठीक है कोई कमियां तो होगा, इधर उधर होता है, भाई ये सारे समस्या का समाधान कोई नहीं दे पाता, पर जो अच्छा काम है उसके बारे में अच्छा बोलो, उसका प्रशंसा करो और बाहर जाके वही बात करो। घर के अंदर भले आप क्रिटिसाइज करो एक दूसरे को,
लड़ पड़ो एक दूसरे से और जोर लगाओ बहुत अच्छा काम करने के लिए, आगे चलने के लिए, गति बढ़ाने के लिए करो, लेकिन बाहर कुछ ऐसे मत करो जैसे आपके संस्थान का इमेज खराब हो, नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा निवेदन रहेगा आज। देखिए समय तो नहीं है कि मैं बड़ी भाषणबाजी आपके सामने रख करूं, और एक बज चुका है और 12:30 बजे समाप्त होना था, हम लोगों ने 1 घंटा लेट थोड़ा शुरू किए बिकॉज वहां जो भी कारण हो, थोड़ा आपका खेत परिभ्रमण किए और फैसिलिटी देखे, बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने पुराने बिल्डिंग जहां सब ऐसे ही कचरे भरे हुए थे उसको साफ सफाई करके आपके बीपीडी यूनिट बन गया। बिजनेस प्लानिंग और डेवलपमेंट करना है और वहां आपके इतने कितने 10-15 आपके कहीं युवा विभिन्न प्रदेश से आके वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपके बिजनेस इंक्यूबेशन हो रहा है और इंक्यूबेशन सेंटर 25 था हमने 50 कर दिए और वो 50 अभी भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं मेरे ख्याल में, युवा उद्यमी जो बनना चाहते हैं, आई डोंट नो दे मे बी हियर। तो बहुत अच्छा लगा, कल देखे थे, मिले थे उनसे, बात किया और इस तरह के जो 50 यूनिट बनाए हैं और कितने हमारे युवा वर्ग को ये प्राधान्यता मिली है और प्रोत्साहन मिली है उद्यमी बनने में, ये उसका पूरा हिसाब है। आईसीआर का आप डॉक्यूमेंट देखिएगा, उसका पूरा हिसाब है, मैं सारे बताना आपके सामने नहीं चाहता भी क्या क्या किए हैं, बट बहुत अच्छी बात है कि आपका काम अच्छा चल रहा है और आप सबको इसका प्रशंसा करना चाहिए और उसके लिए जानकारी होना चाहिए। तो डायरेक्टर साहब आप, मैं निवेदन करूंगा कि काल एक निवेदन किया था तो मंजूर हो गया था कि आप कर लेंगे, और आप तो मैं डीजी नहीं हूं कि आपको निर्देश दूं, और आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप जो है ये जो आपके 50 चीज मत लिखा करिए, 10 इंपॉर्टेंट चीजें बनाइए, छोटा डॉक्यूमेंट 10 से 15 या 20 मैक्सिमम, जो आपके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस है ड्यूरिंग पास्ट 6 years 5 years व्हाटएवर, और उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करिए और वेबसाइट में प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करिए। और बहुत सारा चीज लिखोगे, आपका जो अनुराल में देख रहा था पिछले साल क्या किए हैं, इतने सारे चीज लिखे हैं और उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, देयर ऑल रेगुलर रूटीन मैटर्स, उस तरह का लिखोगे तो कोई पढ़ेगा नहीं उसको, और इतना क्लमजी है, क्लस्टर्ड है, क्लटर्ड है कि आप उसको किसी को पढ़ा नहीं सकते। इसको 10 बात करो, और ये मैं बार बार हर एक इंस्टीट्यूट में बोला और आज भी आपको ये निवेदन आपके सामने रख रहा हूं कि 10 बात करो तो मोस्ट सिग्निफिकेंट, कि आप कोई जो टेक्नोलॉजी बनाया, जो खेत में गया, इंपैक्ट किया, हाईलाइट करो, कोई फैसिलिटी बना बहुत अच्छा हुआ हाईलाइट करो, आपके अवार्ड ऑनर्स मिले हाईलाइट करो एक सेंटेंस में, डोंट गिव द डिटेल्स, इसको डिटेल्स में जाना है तो डिटेल डॉक्यूमेंट होगा कहीं, उसका अटैचमेंट दे दो, रेफरेंस दे दो, तो वो फिर आपके सारे कर्मचारी नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, जैसे भी हिसाब करो, सबके सबको पता होना चाहिए और सब जो है जानकारी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और उसी से और उसके लिए मैं हर एक संस्थान में बोलता रहा और आज भी आपको निवेदन कर रहा हूं, कम्युनिकेशन बढ़ाते रहो। आप करते हैं सालाना फाउंडेशन डे में तो मिल ही रहे हो, बट ये कम्युनिकेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, आप कर रहे होंगे, कितना कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी मुझे पता नहीं है, बट ये करना चाहिए। कम्युनिकेशन जितना बढ़ेगा, हम डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, बाकी कई बार मीटिंग किए, बहुत सारे बातें डिस्कस किए, कितने डायरेक्टर वापस जाके संस्थान में बोले कि भाई ये बातें हुआ, और आईसीआर लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट आईसीआर वेबसाइट में हैदराबाद गया, सॉरी नागपुर गया, बोला भाई कोई पढ़ा है फलाना डॉक्यूमेंट, 2-4 हाथ उठे, आपको भी बताऊंगा कि भाई कितना साइंटिस्ट भी आईसीआर में कितने डॉक्यूमेंट वेबसाइट में रखा हुआ है, कितने पढ़े हो, मे बी 0। तो ये जो है ये आदत नहीं बनी है हम लोगों की, क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।
और उसके लिए आपके वेबसाइट अपडेटेड होना चाहिए और फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन चलता रहे और ओपन डिस्कशन, डिस्कशन यानी ओपन माइंड, किसी का कोई दिक्कत होगा कुछ होगा, और वही चीज हम करने की कोशिश किए सारे संस्थान में जाके। मैं जहां जाता था बोला कि सारे स्टाफ को बुलाओ, जैसे आपके डायरेक्टर महोदय बता रहे थे पहला मीटिंग में, और पहला मीटिंग जो किए थे ओपन थिएटर था और ओपन एयर इंटरेक्शन, कई बिंदु आप लोगों ने उठाए थे, कई बिंदु उठाए थे, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन वैज्ञानिक सारे कितने मुद्दे उठाए थे, काफी लंबा चर्चा किए थे। अब पता नहीं कितने बजे खत्म किए थे मीटिंग, बारे याद नहीं है, उसके बाद शायद डिनर था, बहुत अच्छा लगा था। और भास्कर साहब बोल रहे थे मच्छर काट रहा था इसलिए आपको ऑडिटोरियम दे दिए थे, तो वो कारण नहीं था। तो ये आपका जो आवश्यकता था वो वास्तव में पुराने इंस्टीट्यूट में कमियां थे, और कटक में जब गया एक ढंग का ऑडिटोरियम ही नहीं था और बिल्डिंग पुराने हो चुके थे, अब लीकेज इधर उधर सीपेज, बैठने के लिए सबके लिए जगह ही नहीं है, और उनके एक्सटेंशन डिवीजन को बाहर एक एजबेस्टस सीट में हुए, जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन मैं बताता हूं एक्सटेंशन डिवीजन है, और सबसे निग्लेक्टेड था वो, वहीं थे वहां बाहर बैठे वहीं, और सारे जो है बाकी डिपार्टमेंट जो है चार डिवीजन आराम से बैठे थे मेन बिल्डिंग में। तो हमने जो है इसके लिए प्लानिंग किया, चीजें किया, बट एनीवे मेरे कहने का मतलब था कि ये सबके लिए सोचना बहुत जरूरी होता है और ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, खुले दिल से बात होना चाहिए, और खुले दिल से बात करने के लिए हमें जो है बहुत सारा चीज ऑब्जर्व करने का क्षमता भी होना चाहिए, और ये क्षमता जिनमें है वो सक्सेसफुल होते हैं, और एक्सेप्टेंस उनका जबरदस्त होता है, जैसे आप लोग में अपना डायरेक्टर साहब हैं, तो इसी तरह का कि आप जैसे अप्रिशिएट करते हो, ये होता है कब ना, जब आप कम्युनिकेट करते हो, कन्वे करते हो, दूसरे के बात सुनते हो, दूसरे का समस्या का समाधान देते हो, कुछ पर्सनल समस्या हो सकता है और प्रोफेशनल समस्या भी होता है, तो प्रोफेशनल पर्सनल दोनों जब मिक्स होते हैं और आप उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हो तो एक माहौल बनता है, एक परिवार का माहौल बनता है। बिलोंगिंगनेस की बात किया गया, बिलोंगिंगनेस ऐसा नहीं आता, बिलोंगिंगनेस को बनाया जाता है, और एक आदमी जब सोचता है कि संस्थान में मेरा कोई वैल्यू है, मेरे बात सुना जाता है और मेरे समस्या के बारे में सुना जाता है और उसका समाधान दिया जाता है, और उसका जो है कद ऊपर होता है, बढ़ता है, और उसके हिसाब से उसके जो है बिलोंगिंगनेस भी बढ़ता है, और उसके हिसाब से वो काम भी करता है, डिलीवर करता है। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह के संपर्क जब बनता है तो संस्थान आगे चलता है, तो उसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं डायरेक्टर साहब। और ये जो है स्टाफ वेलफेयर, बाकी सारे जितने काम हम करते हैं स्टाफ वेलफेयर, आई सेड कि एक्सटेंशन को जैसे फेंक दिया थे कटक में, मैंने मेन बिल्डिंग में लाया, उनके लिए एक विंग बनाया, नया बनाया, एवरीथिंग मॉडर्न, और बाकी लोग जेलस हो गए भाई, एक्सटेंशन वालों को इतना महत्व, इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और दूसरे के लिए भी बहुत बड़ा विंग बनाया गया, अभी तो बहुत अच्छा बन गया, और एक ऑडिटोरियम बनाया गया, तो आवश्यकता के हिसाब से किया गया। और मैं बोल रहा था कि स्टाफ वेलफेयर बहुत जरूरी है संस्थान के लिए। हम सोचते हैं अभी आईसीआर प्लान कर रहा है 2047 में क्या करेगा, अगर आप स्टाफ वेलफेयर को छोड़ दोगे, विच इज कोर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, तब हम आगे नहीं जा सकते। और इसलिए आप लोगों ने 2016 में जो सारे बिंदु हमारे सामने रखे थे, वो करीब करीब मेनी ऑफ दोज इश्यूज के ऊपर हम एक्शन लिए हैं, आप अपने उसको जो है तर्जमा करके देख सकते हैं, तो कहां हम थे 2016 में और आज कहां पहुंचे, आप उसको तर्जमा करके देख लो, और उसके ऊपर आप लिख के मुझे भेज सकते हैं मेल,
और फॉर माई नॉलेज कि भाई गैप कहाँ है और जिसके ऊपर और एक्शन लेने की आवश्यकता है। और मैं एक चिट्ठी जो है आपके वर्तमान डीजी महोदय को लिख सकता हूं कि भाई ये सब बाकी है और ये करने की जरूरत है और आपको फोकस करना जरूरी है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको। तो ये मेरा निवेदन आपको है, कोई भी व्यक्ति स्टाफ चाहते हैं कि भाई कई चीजें रह गए हैं जो काम नहीं हो पाया, आप अपने डायरेक्टर साहब को तो बताइए और हमें भी उसका कॉपी दे सकते हैं और ताकि हम भी अपने उसके ऊपर कुछ सोच लगा के अपना कुछ काम करना है तो कर सकते। बाकी रहा, बहुत सारे बातें हो चुका है और हम बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहेंगे और आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन होता है और हम ज्वाइनिंग के बाद हर एक इंस्टीट्यूट को बोले कि भाई फाउंडेशन डे अच्छे से मनाना चाहिए। स्टाफ, स्टाफ के बच्चे और कंपटीशन कराइए उनमें और उनको छोटा छोटा गिफ्ट दीजिए, एनकरेज करिए। स्टाफ के बच्चे भी जो कैंपस में रहते हैं और नहीं भी रहते हैं उनका भी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो जाए और उनको भी पता चले कि ये संस्थान जो है हमारे बारे में भी सोचता है। और स्टाफ वेलफेयर फंड हर एक इंस्टीट्यूट में होगा और उसमें से कुछ कुछ अवार्ड दिलवा दिया, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो 10th में 12th में अच्छा करते हैं और आज के दिन उनको आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम कर सकते हैं कि ताकि स्टाफ के बच्चों में और स्टाफ में जो प्रतिभा है उसका डिस्प्ले हो और उसका फायदा सब लोग लें। शाम को बैठिए और वो खुले दिल से मिलिए, बात करिए, एक दूसरे को गले मिलिए और फिर अपने अपनापन अपने आप बढ़ जाता है। तो ये उद्देश्य मैं सारे संस्थान में बताया था, पर खुशी है कि आपके डायरेक्टर महोदय आज इस तरह के आयोजन किए हैं और फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है और हर एक संस्थान में इस तरह का। IRI जैसे संस्थान में फाउंडेशन नहीं बन रही, दूसरा डेट ही भूल गए थे लोग, वो डेट ही भूल गए थे भाई कौन से डेट में संस्थान बना, क्योंकि वो पहले बिहार में था उसके बाद यहां ट्रांसफर हुआ, अब डेट ही भूल गए थे भाई कौन से डेट पर फाउंडेशन डे IRI का होता है, ना स्टूडेंट को पता ना स्टाफ को पता। तो बोले भाई कम से कम फाउंडेशन डे तो बनाइए भाई, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, अब बैठने के लिए जगह नहीं था, बोले ओपन एयर करो। अब बिलीव नहीं करोगे 2,000-3,000 स्टाफ आके खड़े हो गए पहला फाउंडेशन डे में, सारे खड़े हुए, इतना कुर्सी नहीं था जितना कुर्सी बाहर डालना चाहिए, वहां जब कन्वोकेशन पीछे होता है वहां बैठ। तो सारे स्टाफ चाहते हैं लेकिन हम कितना तैयार होते हैं। तो ये सारे स्टाफ वेलफेयर का हिस्सा है, स्टाफ वेलफेयर का हिस्सा है और स्टाफ वेलफेयर शुड बी द कोर ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज। अपने आप सब हो जाता है, साइंस अपने आप हो जाएगा। 12 घंटा 14 घंटा जिसको काम करना है उसका अगर आप कमियां ढूंढते फिरेंगे, उसको गाली देते रहेंगे तो उससे वो साइंस नहीं करेगा, वो RTI लगाएगा आपके अगेंस्ट। तो बट ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप RTI लगाओ, ये आदत बिगड़ चुका है हमारे, हमारा भी कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि खाली संस्थान आपके बारे में सोचा है, आप क्या सोच रहे हो संस्थान के बारे में। हमारा जो कर्तव्य परायणता जो होना चाहिए, कर्तव्य करने का जो जुनून होना चाहिए, जो जितने जिसके हिसाब से वो कितना उसमें कमी आई है, वो एक बड़ी चिंता के विषय है। हम अपने अधिकार के पीछे भागे रहते हैं, हमें क्या मिलना है, हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिला है, कहां कमी है, उसके पीछे भागे रहते हैं। और प्रधानमंत्री साहब भी इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि भाई हम जितना अपना जो राइट्स के पीछे भागे रहते हैं और अपने ड्यूटी के पीछे अगर भागे तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो ये मेरा निवेदन आज आपको रहेगा कि आज के दिन अपने को अंदर घुसकर देखना चाहिए कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जो जहां पर है, और मैं क्या करूं जिससे संस्थान का भला होगा, परिवार का भला होगा, मेरा भला होगा, और अपना भला के लिए सब करते रहेंगे तो संस्थान का भला नहीं कर सकते। बट एनीवे, तो OP यादव साहब समय हो गया है, 1:20 हो गया, अब खाना खाने का समय है, अब लंच करने के लिए सब आप लोग इंतजार कर रहे हैं और
आपने बहुत अच्छा फैसिलिटी बना दिया और डीएसटी पैसा और इधर उधर से काफ़ी प्रोजेक्ट लेके आपने काफ़ी नए नए व्यवस्था यहाँ बना दिए हैं। और कहीं बात हो रहा था कि प्रश्न किया जाता है कि आईसीआर जहां भी देखो गेस्ट हाउस बना दिया, ऑडिटोरियम बना दिया, सारे पैसा जो है उसी के लिए मांगते रहते हैं और उसका मेंटेनेंस के लिए फिर खर्चा चाहिए। रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्चा हो रहा है? अगर हो भी रहा है कितना इस्तेमाल हो रहा है और डुप्लीकेशन कितना कम किया जा रहा है उससे? एक लाभ में पीछे आ रहे हैं और 10 लाभ में हर एक लाभ में पीछे आ रहा, और पीछे जो है एक दिन में एक बार यूज नहीं होता, तो एक बार एक दिन क्या महीने में भी एक बार यूज नहीं होता या बाकी मशीन से जो भी खरीदे। तो मेरे ख्याल में और ये जरूरी है कि हर एक संस्थान में नए फैसिलिटी बने, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बने और उसमें हम लोग जो है काम भी करें और आउटसोर्स भी करें उसको। कोई बाहर से आके काम करना चाहता है, यहाँ एम्स बन गया, वहां कोई रिसर्च करना चाहते हैं। मैं जब IRI में था तो मैं ऐसे ही अपना जो रिसर्च कर रहा था, यादव साहब बोल रहे थे, तो एक डॉक्टर एम्स से आके मेरे क्लास अटेंड करते थे और क्लास अटेंड करते करते उनके मन में आया कि भाई मैं भी इस तरह का रिसर्च करूं। फिर लैब में आने लगे सीखने, तो लैब में आके शाम को और क्लास के लिए उनके छोटे से बेटी थी, कोई क्लास एक दो में भी में होगी, अब तो डॉक्टर वो डॉक्टर बन गई। अब वो आके क्लास में बैठते थे और बेटी को भी ले आते थे क्लास में बैठाते थे। अब 2 घंटा क्लास 2.5 घंटा क्लास वो बच्ची भी बैठी रहती थी। तो अब जो है हमने कुछ पेपर भी इकट्ठी छापे और एंडोक्राइनोलॉजी के उस वैज्ञानिक थे, उसमें हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, थायराइड जो हार्मोन की कमी होती है, तो उसके ऊपर कुछ शोध किए, हमारे पेपर भी उसमें है, इंटरनेशनल जर्नल में छपा। और इसी तरह का और एक डॉक्टर के साथ हमने काम किए और आप सोचोगे भाई ये क्या प्लांट साइंटिस्ट उसमें करते थे, तो हमने सारे मोलिकुलर काम करते थे, तो उससे वो जाके और काम इतना किया, उसके बाद जो है उनको शांति स्वरूप भाटनगर अवार्ड मिल गया, वो जो वैज्ञानिक डॉक्टर साहब जो आते थे 5-7 साल के बाद। मेरा कहने का मतलब ये है कि वी कैन बिल्ड पार्टनरशिप, प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू अदर्स, प्राइवेट। सो बिल्डिंग पार्टनरशिप इज सो क्रूशियल। आज फाउंडेशन डे है, फाउंडेशन डे लेक्चर देने के लिए आपके डायरेक्टर महोदय बोले कि टॉपिक दो, मैं बोला क्या टॉपिक दूं, आप मैं कितना बार गया, कितने बात किया और ऐसे ही कुछ बात बोल के आ जाएंगे, क्या टॉपिक देंगे, गप्पे मार के आ जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, अब खुशी की बात है, उससे ज्यादा खुशी क्या मिल सकती है। तो आए आप लोगों से मिले और ये जो फैसिलिटी बनाए हैं, एक दो बात और बोल के ये 2-4 मिनट में खत्म करूंगा, तो 1:30 बजे तक खत्म करते हैं। तो ये एक जो बना है, सो वी शुड बिल्ड ए मैकेनिज्म कि भाई कैसे पार्टनरशिप हम कर सकते हैं। और प्राइवेट बहुत उत्सुक है और वो फैसिलिटी यूज करके अपने रिसर्च के लिए करना चाहेंगे और यू कैन चार्जेस डिसाइड कर सकते हैं। और इसका उससे क्या होगा कि आपका रिसोर्स जनरेशन होगा, फैसिलिटी यूज होगा, मेंटेनेंस अच्छा होगा और जैसे जैसे यूज होगा उससे आपको भी फायदा होगा और आपका भी यूज बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये आप कर रहे होंगे, आई थिंक दिस इज वन सुझाव जो आप इसमें एक्शन ले सकते हैं। और ये कई बार मैं आया हूं, जो भी पहले आया था, ये 4th या 5th विजिट है, मेरे याद नहीं है, मेरी 4th विजिट है, और जो आता हूं यहाँ रीजनल कमेटी का मीटिंग भी था और कई बार आपसे बात भी हुआ है। और मेरे ख्याल में एरिड जोन में ये जो नए फैसिलिटी बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, बट भास्कर साहब जो बोल रहे थे कि हम ग्लोबल लेवल पे जो एरिड जोन में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और जो फैसिलिटी बनाया जा रहा है उस तरह का
यहां भी बनना चाहिए और आई एम श्योर देयर इज नो एंड टू व्हाट यू डू. फैसिलिटी बन गया, बहुत कुछ बन गया है, बट आगे जाने का और रास्ता बाकी है और आप अच्छी तरह जानते हैं एंड मस्ट बी टेकिंग एक्शन इन दैट डायरेक्शन एंड वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. कल मैं बात कर रहा था यहां जो आपके वेस्ट वाटर का यूटिलाइजेशन, एरिड जोन में वेस्ट वाटर यूटिलाइजेशन, वाटर रिसाइकलिंग इज अ मेजर एक्टिविटी. इसराइल में 90% वेस्ट वाटर यूटिलाइजेशन कर देते हैं. वो डिसैलिनाइजेशन अलग बात है, 50% ड्रिंकिंग वाटर उनके डिसैलिनाइजेशन से आता है. एरिड जोन में ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और उसमें और गहराई से हमें शोध करने की आवश्यकता है. आपके सॉइल्स एग्रोनॉमिस्ट एंड ऑल दैट सब मिलकर और गहराई से शोध करने की आवश्यकता है. वेस्ट वाटर यूटिलाइजेशन इज ग्लोबली नोन, बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली, खाली इजराइल नहीं है, कई जगह हो रही है. सो आई एम श्योर ये खाली एक मॉडल की बात नहीं है. क्या हम इस तरह के राजस्थान में जमीन कम नहीं है और पूरे जोधपुर के लिए 4, 6, 10 आउटसाइड द सिटी इस तरह का बना के सारे वेस्ट वाटर जोधपुर का यूज हो सकता है? कोई एक बना के बढ़िया डॉक्यूमेंट सरकार को दिया जा सकता है, प्रेजेंटेशन किया जा सकता है कि भाई ये है मॉडल और इससे ये फायदा है. आपके राजस्थान में जितने बड़े बड़े सिटीज हैं वो सारे का वेस्ट वाटर का यूटिलाइजेशन ये हो सकता है. अपना छोटा डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी बात है, हम किए हैं, हमारा स्वच्छता कार्यक्रम के तहत ये सब किया गया है, हमने 8-10 यूनिट बनाए हैं, उसमें से ये एक है और अच्छे चल रहे हैं. हम उसमें कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स नहीं बताना चाहिए, कन्विंसिंग रिजल्ट्स बताना चाहिए. अगर अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो डिस्कार्ड करते हैं. जो अच्छा है जैसे दुनिया में चल रहा है उस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं. तो वेस्ट वाटर यूटिलाइजेशन इन एरिड जोन एंड दैट शुड बी फोकस्ड एक्टिविटी, इंटेंस एक्टिविटी और स्केलिंग अप. हाउ डू वी स्केल अप? हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्केल अप करने का, रास्ता दिखाने का आवश्यकता है हमें. एंड आई एम श्योर दिस वुड बी योर ऑब्जेक्टिव कि भाई हम कैसे राजस्थान के हर एक बड़े सिटी में उनके जाए मेयर से बात करें, जो उनके ऑफिसर होंगे, आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या जो भी होंगे, आई डोंट नो क्या डेजिग्नेशन होता है बड़े बड़े शहर में उनका, बात करिए, गिव द आइडिया कि भाई दिस इज हाउ यू कैन ट्रीट योर वेस्ट वाटर एंड यूटिलाइज इट. 90% 100% वेस्ट वाटर गेट्स यूटिलाइज्ड, नॉट ए ड्रॉप इज वेस्टेड. एंड यू हैव सीन अगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस उसमें से मिलता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, वाई नॉट? एंड फॉर वेरियस हाउस होल्ड पर्पसेस इट कैन बी यूटिलाइज. सो आई एम श्योर दैट काइंड ऑफ यू नो एफर्ट टू स्केल इट अप इज रिक्वायर्ड इन राजस्थान इट सेल्फ. फॉरगेट अबाउट होल ऑफ इंडिया, आई थिंक इट शुड बी, बट टू स्टार्ट विथ इफ यू कैन एंगेज विथ द गवर्नमेंट, प्रिपेयर ए डीपीआर, एंगेज विथ द गवर्नमेंट एंड देन सी हाउ बेस्ट वी कैन रियली you know scale it up. And that's very very important for Rajasthan. And there is global evidence, science based action is already there. So we don't have to really worry much. हमारे यहां कितना कमियां हैं, चीजें हैं, उसको address किया जा सकता है when you prepare that DPR. तो फिर visibility बढ़ेगी और उसमें 2-4 बन भी जाएंगे, उसको replicate करने के लिए पूरे देश पीछे पड़ जाएगा. And I believe नेशन वाइड प्रोग्राम प्लान प्लान ऑफ एक्शन उसमें बन सकता है. और आपके जल शक्ति मंत्री जो है और उनका कंस्टिट्यूएंसी ये है, तो आई बिलीव यू नो ही नोज अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट. सो आई थिंक दैट वुड बी ए बिग डेवलपमेंट इन द फ्यूचर. इसी तरह के आप इतने सारे रिसर्च करते हैं, बहुत सारे नए नए खोज आपके पास है, बहुत अच्छा है,
और आप जानते हैं किस तरीके से ग्लोबली डेवलप कर रहा है। एक तो है कि आप कंट्रोल एनवायरमेंट एग्रीकल्चर करेंगे, CEA कंट्रोल एनवायरमेंट एग्रीकल्चर, लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आर देयर इन कंट्रोल एनवायरमेंट एग्रीकल्चर। आपके केमिकल यूज कम हो जाएगा, आपके क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे, आपका बाजार में भाव अच्छा मिलेगा और लोकल मार्केट के नजदीक जो है, सिटी के नजदीक आप कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट खर्चा कम हो जाएगा। पानी, पानी आप जबरदस्त सेव कर सकते हैं और दैट टू इन ए सिचुएशन लाइक राजस्थान। अब जैसे डॉक्टर भास्कर बोल रहे थे 38 मिलियन हेक्टर इस तरह के एरिया है जहां बहुत सारे कुछ किया जा सकता है और कर रहे हैं, दुनिया में कर हो भी रहा है। तो एक तो वो है, और जो एरिड रीजन है, रियल एरिड रीजन है सेंट्रल एशिया का, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस, बट वी नीड नॉट रियली गो फॉर दैट ऑलवेज बिकॉज एनर्जी कॉस्ट इज क्वाइट ह्यूज एंड उसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे पेपर छपा हुआ है, उसका मैं उदाहरण लेना देना नहीं चाहूंगा, आप जानते हैं बिकॉज यहां इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते होंगे और करते भी होंगे। और जो पानी का सेविंग है वो जबरदस्त है, उसमें करना चाहिए, जहां जहां संभव है करना चाहिए। और एनर्जी के लिए आज बात हो रहा था समड़ी शेर की, भाई अब आपके मंजीत सिंह साहब बोल रहे थे और बाकी लोग बोल रहे थे और भास्कर साहब भी बोल रहे थे, भाई सोलर का यूज करिए, सो प्लेंटी ऑफ एनर्जी, सोलर का यूज किया जा सकता है। तो ये एक तरीका है वर्टिकल करने का और एरो सिस्टम का अपनाने का या हाइड्रोपोनिक करने का, ये एक बहुत बड़ा है और आप डेमोन्स्ट्रेशन लगा रखे हैं। एंड आई एम श्योर जो आपके युवा वर्ग आ रहे हैं उसका स्केलिंग अप करना, और राजस्थान वुड बी यू नो नेक्स्ट फूड बास्केट ऑफ द कंट्री, क्यों नहीं, हॉर्टिकल्चर फसलों में, खास करके हॉर्टिकल्चर फसलों में राजस्थान रिवोल्यूशन ले आएगा। पानी को सेव करते हुए आप तो बारिश का पानी को भी सेव करके उसका यूटिलाइज कर रहे हो, सो आई एम श्योर 8 महीना 10 महीना अगर पानी आप बारिश के पानी को संचय करते हुए अगर इस्तेमाल करते हुए कर लिया, यू नो ये मॉडल को स्केल अप कैसे करें एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, और क्या तरीका हो सकता है। आई बिलीव डायरेक्टर महोदय इसके बारे में सोच रहे होंगे और पदक्षेप भी लेंगे कि इसका स्केलिंग कैसे करेंगे। अब स्केलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्टिविटी and should be, and in coming 5 years ye isko scale up agar hum kar paye, that would be a big revolution. jahan ye banana nahi chahiye, bana nahi sakte hain aur kharcha zyada ho raha hai, nahi chahte hain, there are so many other technologies, nano clay, there are startups or hydrogels, multipurpose hydrogels are being used, I believe must have tested, and if they are good, why not to promote them? Globally they are being used now. There is a Norwegian company which prepares something, there is a Turkish company, a startup which is preparing something. So you have number of companies now who have started making those kind of material which is now going to the field, and I believe you will be doing research in that direction. New technologies which are coming, which has field application. अब बाजरा की yield कितना कम है, field establishment नहीं हो पाता है। बाजरा के field में nano clay का utilization करते हुए क्या हम yield बढ़ा सकते हैं? जरूरत के हिसाब से पानी देते हुए क्या हम उसका yield बढ़ा दें? कई सारे उपाय है, आई बिलीव माइट हैव बीन टेस्टेड, आई हैव नो आइडिया, जो इस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज आप लोग किए होंगे, तो अगर किए हैं तो आई बिलीव दैट वुड बी ए गेम चेंजर इन राजस्थान सिचुएशन। एक रिसर्च में था और एक रिसर्च का कोई अफ्रीकन उनके जो सेंटर्स है उसमें से एक आके बता रहे थे कि बीज के साथ कुछ एक मटेरियल डालते हैं और उसको ऐसे ही प्लांटिंग करते हैं, सीड नहीं डालते हैं और सीडलिंग ट्रांसप्लांट करते हैं, और सीड भी करते हैं तो उसको भी उसमें एम्बेड करके डालते हैं,
और उसमें भी काफी अर्ली एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और अच्छा होता है। पानी का सप्लाई आवश्यकता के हिसाब से होना नैनो मटेरियल के जरिए, और वो कैसे होता है वो टेक्नोलॉजी आपको ज्यादा पता होगा, मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैं खाली पढ़ा हूं और मेरे ख्याल में उसके ऊपर आप लोगों का शोध भी होगा और उसको करना बहुत जरूरी है, और जो कर रहे हो उसको स्केल अप करना बहुत जरूरी है। और आज के फाउंडेशन डे में, और मैं वैज्ञानिक जेनेटिक्स के हूँ, ब्रीडिंग के हूँ और बायोटेक्नोलॉजी के हूँ, और इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, जितना समझाऊं उतना बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक बार पहले भी बताया था एरिड रीजन का माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, माइक्रोब के अंदर, सूक्ष्म जीव के अंदर जो पोटेंशियल है, अनटैप्ड पोटेंशियल। जितने पौधे यहां सर्वाइव करते हैं, पानी कहां से लाते हैं? सालाना बारिश आपका 200-300 मिलीमीटर नहीं होता, अभी थोड़ा बढ़ा होगा, 400-500 मिलीमीटर इस साल हुआ होगा, और 200-300 मिलीमीटर में आपका ग्रेनिंग हो रही है यहां। और पौधे हैं, मुझे बताया गया नीम के पौधे बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका माइक्रोबियल राइजोस्पियर माइक्रोब का क्या रोल है? नाइट्रोजन थोड़ी डालते हैं, ग्रीन रहता है। बाजरा आप दिखा रहे थे ऑर्गेनिक में, हो नहीं रहा है वो, मर रहा है वो, जो दिखाई देता है कि गया, नीम में तो ऐसा नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी उसमें हमें और स्टडी करना चाहिए, क्या है वो रूट सिस्टम, उसका क्या मैकेनिज्म्स है, क्या माइक्रोबियल लोड है कि जो उसको मदद कर रहे हैं, जो हम कितना समझे हैं। एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोब ग्रुप शुड बी वर्किंग, अगर पोस्ट नहीं है तो पोस्ट क्रिएट करना चाहिए, कम से कम 5-6 माइक्रोबियल साइंटिस्ट शुड बी हियर, और उसको प्लानिंग करना चाहिए फ्यूचर के लिए कि एरिड जोन में कल को ये माइक्रोबियल रिसोर्स का काम बहुत जबरदस्त होगा, और प्रोटेक्टिंग प्लांट्स, सप्लाइंग प्लांट्स अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट सिस्टम फ्रॉम द सॉइल बाय माइनिंग, एंड ऑल्सो सप्लाइंग मॉइस्चर, अप्रोप्रिएट मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स थ्रू वट एवर मैकेनिज्म, आई एम श्योर दैट वुड बी माइक्रोब्स व्हिच कैन हेल्प। एंड देर आर पब्लिकेशंस which says that microbial diversity in Thar desert is tremendous. People have already started working in this direction. And you must have done quite a bit of work in this. And I believe we need to really take this forward. And if there is some good publications, you can send me so that I can learn from your work. And and then understand how things are happening in, Kher rhizosphere or Khejri rhizosphere, and all those this Prosopis rhizosphere, whatever. So what is that happening, and that helps these plants to really do better here, and there is plenty of opportunity for us. One is increasing production, and our focus has been production. Production mein energy kharcha kam karo, production mein sab kuch karo, productivity badhao, अरे जोन में बढ़ाओ, चीजें करो, ये हमारे फोकस रहा है। पर अभी अभी जो आपके आज दिखा है प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन चीजें, कैन यू इमेजिन इन दिस कंट्री व्हाट हाउ मच वी आर प्रोसेसिंग, नॉट इवन 5% ऑफ द प्रोड्यूस। टमाटो यूएस का हिसाब लेंगे आप, 12 मिलियन टन उत्पादन करते हैं, और 12 मिलियन टन से 86% टू बी वेरी प्रिसाइज 86% प्रोसेस करते हैं, और हमारे कितना 25-30 मिलियन टन हम करते होंगे, कितना टोमेटो उत्पादन करते हैं अराउंड दैट मेरे ख्याल में, और उसमें से 1% प्रोसेसिंग होता है। किसान रोता है, ग्लट होता है जो प्रोडक्शन होता है। तो रीड जोन का जो उत्पाद होगा, आज आप बता रहे थे अंजीर लाए हैं, खराब हो जाता है जल्दी, जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगा, सेकेंडरी एग्रीकल्चर को प्राधान्यता नहीं देंगे एरिड जोन में, तो हमें एग्रीकल्चर को, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा नहीं दे सकते। काजरी खाली लिमिटेड रिसोर्स है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, बट इस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता होगी, तेजी से ज्यादा करने की आवश्यकता होगी।
और आई एम श्योर डायरेक्टर साहब बिंग ए नॉलेजेबल पर्सन है, डायरेक्टर साहब हमारा गाथा गा रहे थे, ये अवार्ड मिल गया, वो अवार्ड मिल गया, डायरेक्टर साहब को खुद को जो है वो भी इंसा फेलो बन गए। इंसा फेलो पूरे आईसीआर में ये बता रहे थे ना, चार पांच लोग हैं, नाम लेना नहीं चाहूंगा, और उसमें से एक ये है, इनको एक बिग हैंड दीजिए। 2020 में खुद बन गए, अच्छे वैज्ञानिक हैं, बिडर है, वैरायटी है, बहुत सोच अच्छा है और अच्छे काम करते हैं और बहुत उपलब्धि है, तो इस दिशा में जरूर सोच रहे होंगे और मेरे ख्याल में काम भी होगा। और माइक्रोब रिसोर्स को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है और प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन करना जरूरी है, बट प्रोसेसिंग खाली लिया और सारे किसान भी कर सकता है, हमारे वैज्ञानिक को क्या करना है, उसमें नए डिस्कवरीज वहां होना चाहिए जो हमारे पूरे देश में ना की बराबर है, नए डिस्कवरी ना की बराबर है। तो वो नए डिस्कवरी हमें बताया गया, खाली प्रोसेसिंग जो है होना नहीं है कि 86% यूएस प्रोसेस करता है, ब्राजील में ये जो आपका सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा है, आपका ऑरेंज जूस आता है, चीजें होता है, ब्राजील में ये सारे प्रोसेसिंग होती है, जूस तो फ्री है, जूस वो फ्री दे सकते हैं आपको, क्यों, बाकी जो मॉलिक्यूल डिस्कवर करके उससे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके छिलका से, वेस्ट मटेरियल से, उसका वैल्यू ज्यादा है जूस से, जूस आपको इतना सस्ता क्यों मिलता है, व्हाई वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस आवर जूस एंड मार्केट, हमें कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाता है और हर एक चीज वही करते हैं। हमारे अगर सिरोही गोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मिल्क ज्यादा देता है, आज बताएगा पर मेरा ज्ञानवर्धन हुआ भाई, आज 3-4 लीटर मिल्क सिरोही बकरी दे देती है। अब सिरोही बकरी के दूध का वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग नहीं कर सकते हम, उसके क्या नया मॉलिक्यूल डिस्कवर करके ब्रांडिंग नहीं कर सकते, कौन करेगा, आप बकरी इंस्टीट्यूट और आप सब मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि भाई ये सिरोही गोट आपका है, राजस्थान का है, डेजर्ट एरिया का है, एरिड रीजन का हीरो है, थर्ड पार्कर अनदर, आपके पास इतना रिसोर्स है, 150-200 गाय है, आज देखकर मुझे खुशी हुई कि भाई वो घूम रहे हैं, खा रहे हैं चारा, बहुत अच्छा लगा। और थर्ड पार्कर के दूध में क्या है, हम ऐसे कटक में थे और ऐसे सोच रहे थे भाई ये हमारे जो ऑपलैंड राइस है इसका गुणवत्ता क्या है, देखते देखते हमें मिला कि ऑपलैंड राइस जहां स्ट्रेस में उगते हैं वहां प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, जहां ज्यादा पानी खाद वगैरह डालते हैं उतना प्रोटीन नहीं होता, ये ऑपलैंड राइस में जहां खाद पानी कम डाला जाता है सूखे में होते हैं और स्ट्रेस में होते हैं उसका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। तो ये सारे जो हीट स्ट्रेस में बढ़ते हैं ये सारे थर्ड पार्कर में कई अच्छे गुण होंगे जो हमें पता नहीं है, और आपके शोध से ये सब पता होना चाहिए। ब्रांडिंग कर सकते हैं, थर्ड पार्कर का मिल्क 200 रुपया किलो लीटर, क्योंकि उसमें ये गुणवत्ता है। पटेल साहब बैठे हैं और जब हम विजिट किए थे उनके संस्थान कैमल का, तो उनके मिल के बोला इससे ये बहुत सारी यूज है चीजें हैं और उसमें कुछ ब्रांडिंग ग्लोबल लेवल पे हुआ है, बट उतना ज्यादा हम जो है उसका कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं, शुरू हुआ है बट थोड़ा बहुत एक आधा कोई बिक रहा है, बट उतना ज्यादा नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत एफर्ट संस्थान की तरफ से भी हुआ था। और इस तरह के बहुत सारे काम जो है हम जो कर रहे भी रहे होंगे उसमें आगे सोचने की जरूरत है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहे उसको आगे सोचने की आवश्यकता है, बहुत सारे बातें होंगी। और 145 सो घड़ी बताता है कि ज्यादा मत बात करो, और बताना भी नहीं चाहिए, आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, और कुछ बोलना था तो इसलिए बोला, जो 2-4 एक्शन पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा और आप सोचते हैं कि कुछ करना चाहिए, और एक इंटरनल चर्चा कर लीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं और उसी दिशा में और क्या करना चाहिए, अगर एक भी एक्शन पॉइंट बना देंगे तो बहुत काम हो जाएगा। हम यहाँ NBPGR का सब सेंटर डायरेक्टर साहब बोल रहे थे, आप जो कर रहे हो वही वो रिपीट करते हैं, मूंग बीन उगाते हैं, मोठ बीन उगाते हैं और क्लस्टर बीन उगाते हैं, उसको लगा देते हैं तो वही लगा देते हैं, आपके इतना अच्छा मोठ बीन का आपने जर्म प्लाज्म इवैल्यूएट किया, मोठ बीन में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे,
म्यूटेशन काफी शुरू किए थे, डॉक्टर शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, राम अवतार शर्मा जी, तो जब हम मलिकुलर, डॉक्टर राजव साहब बोले थे मलिकुलर काम शुरू किए थे, ही इज वन ऑफ दोज हु यू नो वर वर्किंग इन दैट एरिया, कोई काफी नया सोच के साथ डीएनए आइसोलेशन विदाउट यू नो लिक्विड नाइट्रोजन एक नया मेथड दिए हैं राम अवतार शर्मा साहब। हमारे पास जब आए थे ऑलवेज न्यू आइडियाज, कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके जाते हैं। मॉट बिन के जब बीकानेर में थे, मैं तो बार बार जाता था वहां, तो म्यूटेंट्स कुछ थे जो बेहतर थे, कम पानी में तो होता ही है उससे भी बेहतर थे। मेरे ख्याल में आज का जमाना म्यूटाजेनेसिस का है, केमिकल हो इवन एडिटिंग जरिए हो, जीन डीएनए जीन एडिटिंग हैज बिकम सच ए पावरफुल टूल और भारत सरकार उसको फ्री कर दिए, कोई रेगुलेशन नहीं है, आप जीन एडिटिंग करो, प्रोडक्ट बनाओ, सर्टिफिकेट दो कि इसमें कोई फॉरेन जीन नहीं है, ले जाओ किसान के खेत में। एक नया सिस्टम जो हमारे यू नो समय में ये अप्रूव हुआ भारत सरकार के द्वारा, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार का। तो मेरे ख्याल में फसलें जो हमारे दिक्कत है, आप बता रहे थे क्लस्टर बीन में यू नो अर्लीनेस नहीं आ पा रहा, ढूंढो अर्ली जीन, सो मेनी जीन्स आर देयर फॉर अर्लीनेस, लगाओ जीन एडिटिंग एंड देन बनाओ अर्ली मैच्योरिंग क्लस्टर बीन, केमिकल म्यूटाजेंसी हो सकता है, मतलब बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। आई बिलीव वी कैन हैव ए सेपरेट डिस्कशन, सो दिस इंस्टीट्यूशन हैज ए ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ, इंस्टीट्यूशन हैज ट्रेमेंडसली वेल, एंड आई मस्ट से दैट ए लीडरशिप लाइक यू विथ ए ग्रेट विजन इज रिक्वायर्ड फॉर द होल कंट्री फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन। तो डॉक्टर ओपी यादव साहब, तो आप जैसे लीडर मिलना मुश्किल है, इस तरह के लीडर कम है, और आपके आइडियाज, आपके सोच और आपका लगाव, काम करने का तरीका ये यूनिक है, अनपैरेलल है, और आपने तो 5-6 साल यहां रहे हैं, पहले भी काम किए थे यहां, ये आपका संस्थान है शुरू से ही, और बाजरा से शुरू करके मक्का और मक्के से फिर बहुत सारे फसल, खाली फसल नहीं, फसल के बाद भी दूसरे दूसरे चीजों में काम कर रहे हो, आपके आइडियाज अच्छे हैं, आई एम श्योर अंडर योर लीडरशिप एज लॉन्ग एज यू आर हियर यू माइट गेट हायर पोजीशंस, आई विश यू गेट दैट, एंड यू नो सर्टनली आई होप यू इट विल हैपन सूनर देन लेटर, एंड एज लॉन्ग एज यू आर हियर सो सर्टनली द इंस्टीट्यूट विल बेनिफिट, आईसीआर विल बेनिफिट, आई थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आपके धैर्य के लिए, आप इतने समय यहाँ बैठे हैं पेशेंस के साथ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जितने मेरे मित्र यहाँ है संस्थान के, और मैं इसलिए हिंदी में बोला, जितने मित्र यहाँ बैठे हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके सहयोग के बिना कुछ नहीं होगा, जितना यादव साहब दिखा रहे थे ना वो सब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसीलिए श्रेय सबको जाता है। अरे डीजी क्या करेगा दिल्ली में बैठ के अकेला, पैसा दे देगा तो हो जाएगा, थोड़ी कुछ नहीं होता उससे, तो इसीलिए आप सबको श्रेय जाता है, और आप सबका भला हो, भगवान आपका भला करे, खुश रहिए, और ये बहुत जरूरी है, मैं हर एक मीटिंग में वही बोलता हूं, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, सहयोग करते रहिए, और संस्थान के लिए करते रहिए, संस्थान आपका है, संस्थान हम सबका है, मैं डीजी हूं नहीं हूं वो बात छोड़ दीजिए, जो भी डीजी आएगा कल को और भी कोई नए डीजी आएंगे, और आप जो है सबके साथ काम करेंगे, संस्थान ऑर्गेनाइजेशन अपना है, उसके प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए, लगाव रहना चाहिए, जैसे मैं बताया शुरू में। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए आप सबको और धन्यवाद देते हुए यही समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने सकारात्मक सोच रखने पर जोर दिया, आपने जोर दिया स्टाफ वेलफेयर पर, कम्युनिकेशन बढ़ाने पर,
आपके सुझावों को सर हम भविष्य में पूरा करने का अवश्य प्रयास करेंगे। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि लीडरशिप रियली मैटर्स। साथ ही साथ हमारे संस्थान में जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लैब है वहां पर जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स वो भी हम सत्र में भेंट करेंगे। तो मैं काजरी निदेशक महोदय से गुजारिश करूंगा कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा साहब को स्मृति चिन्ह और साथ ही वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स भी सत्र में भेंट करें। अब मैं निवेदन करूंगी निदेशक महोदय से कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस भास्कर साहब सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी भेंट दें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जेपी सिंह साहब से कि वे माइक्रोफोन पर पधारे और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जेपी सिंह सर धन्यवाद। डॉक्टर अमन वर्मा जी सम्मानित मंच धन्यवाद की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम अपने मुख्य अतिथि परम श्रद्धे डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र जी पूर्व सचिव डेयर भारत सरकार एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का सादर आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने संस्थान स्थापना दिवस पर हमारा आमंत्रण स्वीकार किए हमें अनुग्रहित किया। हमेशा की भांति आपका जो अभिभाषण हमने अभी सुना निसंदेह हमारे युवा वैज्ञानिक हैं उनमें आपने एक नया ऊर्जा का संचार किया है और हमारे सभी साथियों को जो आपने आपने बातें कही हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके कार्य आपकी जो बताई हुई बातें हैं हम उनको कार्यान्वित कर सकें। हम अपने विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य नारायण भास्कर जी सहायक महानिदेशक भारतीय अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस पावन अवसर पर आकर हम सभी को अनुग्रहित किया और अपने आशीर्वचनों से हमें हमें दिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर मंजीत सिंह जी पूर्व निदेशक डीएमआर सोलन जो कि हमारे वरिष्ठ साथी भी यहाँ पर रहे हैं हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने पधार कर हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। हम इस संस्थान के प्रतिभावान और ऊर्जावान निदेशक आदरणीय डॉक्टर ओपी यादव जी का भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिसके मार्गदर्शन में इस आयोजन का सफल कार्यान्वयन हो सका। इस पावन अवसर पर हम अपने सभी जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारीगण हमारे वैज्ञानिकगण हमारे कर्मचारीगण जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मैं उनका सभी से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जोधपुर में स्थित जो आईसीआर के संस्थान है अटारी के निदेशक पीसी पलमिलेट और एनबीपीजीआर रजिस्ट्रेशन के हेड मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकाला और हमारे स्थापना दिवस पर आए। मैं इस अवसर पर संस्थान के सभी अधिकारियों कर्मचारियों जिनको कि आज उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है मैं आप सभी को बधाई देता हूं। हम संस्थान आयोजन दिवस समिति के सभी जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं सभी सदस्य हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनका निरंतर सहयोग हमको मिलता रहा।
विशेषकर मैं संस्थान की मेंटेनेंस यूनिट, फार्म सेक्शन तथा एकेएम यूनिट का, विशेष और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनका पूर्ण सहयोग हमें इस आयोजन में मिलता रहा। अंत में मैं जो हमारे संचालन के जोधा जी हैं और अमन वर्मा जी हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है इसका बहुत अच्छे रूप से संचालन किया। और अंत में मैं आप सभी जो हमारे काजरी के सभी साथीगण हैं, मैं सभी का प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इसमें शामिल है, मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस आयोजन को सफल बनाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जेपी सिंह साहब। दरअसल होता क्या है कि धन्यवाद सभी को मिल जाता है, लेकिन जो धन्यवाद ज्ञापित करता है उसको कोई धन्यवाद नहीं देते, तो आपको भी बहुत बहुत हमारी ओर से धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। एक आपके लिए सूचना है कि आप सभी लोग हमारे कैंटीन से रिफ्रेशमेंट लेकर अवश्य जाएं, और अब हम सभी खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए और मिलकर गाएंगे राष्ट्रगान। भारत भाग्य विधाता, सिंधु गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्तर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गावे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय जय जय